नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम इस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। उसका नाम अंजाम और ये मूवी आपको किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर और किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अंजाम 1994 SRK एक ही नाम की ताई किलवा। अंजाम 1994 की भारतीय हिंदी भाषा की मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशक राहुल खेल ने किया है। इसमें माधुरी दीक्षित और शाहरुख खान मुख्य मुकाम है, जिसमें टीनू आनंद, जॉनी लीवर, कल्पना अय्यर, हिम्मती सिपुरी, सुधा चंदन, बीना और कुरन कुमार सहायक भूमिकाओं में है और दीपिका प्रतिवर्ती विशेष उपस्थिति में। यह फिल्म बार बार था जब दीक्षित और खान को एक साथ जोड़ा गया था। समीर द्वारा लिखे गए गीत के साथ फिल्म का संगीत आनंद मिलिंद द्वारा रचित था। यह फिल्म एक ऐसी महिला के बारे में है जो अपने जुनूनी प्रेमी का खामियाज भुगत रही है। यह महिलाओं पर होने वाली अत्याचार पर भी केंद्रित है। यश चोपड़ा डर के अपने प्रदर्शन के लिए पिछले वर्ष पुरस्कार जीतने के लिए विफल रहे थे। यह बात 40वें फिल्मफेयर पुरस्कार में अंजाम में अपने प्रदर्शन के लिए खान को सर्वश्रेष्ठ सहनायक का पुरस्कार जीता। इसके अलावा फिल्म के दीक्षित को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए अपना 7वां नामांकन भी लिया है। इसलिए कि इसके वजह इन्होंने हम आपके है कौन के लिए पुरस्कार जीता। खान के अपने पैना रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के तहत इस फिल्म के अधिकार खरीदते हैं शिवानी दोचवा। एयर इंडियन के एयर होस्टेस हैं। ये अपने बहुत पश्चिमी और अपने जीजा मोहनलाल के साथ रहने हैं जो एक शराबी है और घोड़े को दौड़ पर मिलने वाले सभी पैसे दांव पर लग रहे हैं। शिवानी को मुलाकात एक धनी उद्योग विजय अग्निहोत्री से होती है जो तुरंत उसके साथ मुग्ध हो जाते हैं और लेकिन वो उससे कई दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं। विजय अपने पारंपरिक उद्योगों के मालिक है। वो अपने उत्तीर्ण के शिवानी मंडल लाने को कोशिश करते हैं लेकिन वो इसे मानती है कि वह नहीं है। वो उसका प्रेमी बनने के लिए उसका पीछा करता है, जारी रखता है लेकिन वो बार जो कि जाहिर खा जाता है। विजय अपनी माँ पद्मा को बताता है कि वो केवल शिवानी से ही शादी करेगा। जब वे शादी के लिए शिवानी के परिवार से संपर्क करते हैं तो वो देखते हैं कि शिवानी पहले से ही एक इंडिया एंड आइडल अशोक चोपड़ा से शादी कर रही है। विजय टूटा हुआ हैरान हो जाता है जबकि शिवानी और अशोक अपने शादी के तुरंत बाद पोस्ट हो जाते हैं और अमेरिका चले जाते हैं। 4 साल बाद विजय शिवानी को नहीं भूल पाया और उसके अपने माँ द्वारा लगाए गए सभी शादी के प्रस्तावों को ठुकरा दिया। शिवानी और अशोक की एक बेटी सिविंकी शिवानी के जी इकाई परिवर्तक के रूप में अपनी नौकरी दौड़ा की है और मानसिक रूप से शारीरिक रूप से विकलांगी के लिए एक अस्पताल में स्वेच्छा से काम करना शुरू कर देता है। विजय शिवानी के अरीब आने हैं उम्मीद में अशोक से दोस्ती करता है। वो अपनी खुद के एयरलाइंस शुरू करने की योजना बना रहे हैं जहाँ वो अशोक को उच्च वेतन वाले महाप्रबंधक के रूप में अशोक शिवानी पर विश्वास नहीं करते हैं और उसे विजय को असली चेहरे के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। विजय शिवानी और अशोक के एक नई कंपनी का घर देता है जिसमें जॉन के बाद शिवानी को पता चलता है कि वो गर्भवती। वो अपने पति के साथ खबर साझा करती हैं लेकिन विजय ये कहते हुए बीच में आता है कि उसने शिवानी के स्वामित्व के नई एयरलाइंस के विज्ञापन के लिए इस्तेमाल किए हैं। जब शिवानी उनकी दोस्ती हो जाती है तो फिर दूसरे ही एक शीश अपनी नौकरी ने घर को छोड़ दिया है और वो इसके बजाय परिवार का समर्थन करने के लिए काम करेंगे। अपमानित और क्रोधित अशोक ने शिवानी को थप्पड़ मारा और उसे स्वीकार कर दिया और जो अपने बड़े छतावे के लिए घर छोड़ देते हैं। विजय ने दिया कि वो कुपकरण के है और अशोक को बुरी तरह से पीटता है। जब वो अस्पताल में भर्ती होती है विजय शिवानी को मौजूदगी में अपनी असंजित मार्क्स हटा देता है। उसकी मदद हो जाती है। वो पुलिस को समझने की कोशिश करता है जो अशोक की मौत के लिए विजय जिम्मेदार था। हालांकि विजय अपने दोस्त बावजूद उसके वो उसे छोड़ दे। इस दौरान वो शिवानी के मिलने जाता है और उसे कहा जाता है कि वो उसे प्यार करती है। जैसे ही वो मना करती है वो उसकी विपाक करता है, उसे उसकी हत्या के प्रयास के लिए फरियाद करता है। उसे 3 साल जेल हो जाई गई क्योंकि वो अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सकी। पिंकी की पश्चिम और मोहनलाल के देखभाल में रखा गया है। मोहनलाल अपनी पत्नी के साथ व्यवहार करता है, पिंकी को बोझ करता है। शिवानी अपने सेलमेट निशा से मिलती है जिस पर दहेज के एक मामले में गलत तरीके से हत्या का आरोप लगाया गया था। वे एक क्रूर जेल वार्डन के निगरानी में जेल में अपना दर्द साझा करते हैं जो जेल के कैदियों को रात में
राजनीतिक नेताओं के लिए बेसब्री के लिए मजबूर करता था। जेल में भागने की कोशिश में वो अपने जेल प्रहरी को क्रूरता की शिकायत करती है, लेकिन उसकी दलील को मनोरंजन नजरअंदाज कर दिया जाता है। उसके बजाय इंस्पेक्टर अर्जुन ने बॉर्डन को बताया कि शिवानी ने ही उसकी अवैध गतिविधियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। मोहनलाल पश्चिम को पिंकी को छोड़ने के लिए मजबूर करता है, लेकिन वो मना कर देती है। आवाज जवाब में उसने पश्चिमी और पिंकी दोनों को बाहर कर दिया। जवाब गलती से शिवानी को बाहर और बेटी पर अपनी कार चलाकर उन्हें मार डालता है। शिवानी को उनकी मौत के बारे में पता चलता है। उन्हें पता चलता है कि विजय ने उन्हीं उन्हें मारा है। जब वो उनके परिवार का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जाने की फैसला करता है, उस दिन रात के लिए एक कैसे को लेने के लिए राजनेताओं की यात्रा के दौरान शिवानी उल्टी कर देती है। जब जेल प्रहरी को पता चलता है कि शिवानी ने शिकायत की, तो वो उसे बुरी तरह से पीटता है और उसे एक अवैध अलगाव कक्ष में फेंक देती है, जिससे उसका गर्भपात हो जाता है। उसे सभी प्रियजनों के निधन के साथ शिवानी दुनिया के लिए स्वतंत्र थी। जब जीने उसका एकमात्र मकसद उन सभी लोगों से बदलाव लेना था, उन्होंने उनके साथ गलत किया था। जब वो जेल में रात भर पूजा कार्यक्रम की योजना बनाकर जेल वो चुपके से भाग जाती है और जेल बॉर्डन की फांसी के फंदे पर चीख कर मार देती है और उसे लटका देती है, जैसा ही कई सबूत नहीं है और एक मजबूत बहाना थे। शिवानी को उसके लिए दोषी नहीं ठहराया था है। 3 साल बाद शिवानी जेल से रिहा होता है। पहले उसने मोहनलाल की रुपये के नोटिस की लगाकर के वहाँ से महत्वपूर्ण बात्रा में मास्क बजाकर मार डाला। इंस्पेक्टर अर्जुन को हत्या के लिए शिवानी पर शक थे। जब शिवानी अपनी बेटी की कब्र पर विलाप कर रही थी, इंस्पेक्टर अर्जुन उसे रोकने के लिए सीधे उसकी कब्र पर कदम रखा है। जब वो इच्छा करता है तो खलिहाल ने उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास करता है, लेकिन शिवानी उस पर हावी हो जाते और खलिहान ने आग लगा दी है, जिसमें वो मार जाता है। शिवानी विजय के घर जाती है, लेकिन वो उसे चलता है पता चलता है विजय अपनी उसकी माँ के 2 साल पहले वहाँ से चले गए। वो उस अस्पताल में विकलांगों के सेवा करने के लिए अपना जीवन समर्पित करने का फैसला करते हैं, जहाँ वो स्वेच्छा से काम करते हैं। वहाँ के डॉक्टर ने सुझाव दिया कि वो टिकांग के अपने नए अस्पताल में रहें। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो बाती देहपाता के सेनेटोरियम विजय की माँ ने बताया था कि शिवानी ने विजय की लक्षणग्रस्त अवस्था में गर्भगृह के पाया कार दुर्घटना के कारण चलने की क्षमता खो दे रही है, जिसमें शिवानी को बहन और बेटी के मौत की हो गई। वो उसके पुनर्वास के लिए स्वेच्छा के काम करते। शिवानी के प्यार में अध्ययन से विजय ठीक हो जाता है। विजय शिवानी के साथ बार फिर से उसके प्यार में पड़ जाते हैं। शादी के करने लिए कहते हैं, क्योंकि उसके पास जीवन में कई अन्य विकल्प नहीं है। चाकू मारने से पहले शिवानी ने उसे आगे लगा दिया। वो कबूल करती है कि उसे एक उद्देश्य के लिए स्वास्थ्य के लिए नर्स किया उसे मारने के लिए, क्योंकि वो एक अक्षय व्यक्ति और मर माना पाप हो जाता है, खुद को बचाव नहीं कर सकता। अपने हतपाई में वे शिवानी के पैर पर विजय के साथ एक चट्टान में लपटने हुए समाप्त हो जाती है। विजय का कहना है कि अगर उसकी मौत हो जाती है तो वो शिवानी को अपने साथ जो ले जाएगा। ये तय करते हुए कि विजय के लिए उसके सीने से ज़्यादा जरूरी मरना है, शिवानी जाने देता है, जिससे दोनों की मौत हो जाती है। लालना शिवानी चोपड़ा के रूप में माधुरी दीक्षित, विजय अग्निहोत्री के रूप में शाहरुख खान, सुधा चंद्रन पंडित सिंह शिवानी के बहन और मोहनलाल की पत्नी के रूप में तीनू आनंद, मोहनलाल शिवानी के बहनोई के पत्निया के रूप में चंदा चमेली के रूप में जॉनी लीवर, प्रेमती पद्मा अग्निहोत्री के विजय की माँ के रूप में बीना बनर्जी, बीना पूरी शिवानी के दोस्त और जेल में आत्मविश्वासी किरण कुमार, इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह के रूप में दीपक तिजोरी, अशोक चोपड़ा शिवानी के रूप में नीतीश, भूमिका कल्पना जेल वार्डन के रूप में नीतीश, हिंदू मंत्री बनने पिंकी चोपड़ा, अशोक के शिवानी की पत्नी के रूप में विजय अग्निहोत्री एक अमीर बिगड़ेल आदमी है जो मुंबई शहर में अपनी माँ के साथ रहता है। अपनी माँ के असी उसे कुछ सब कुछ और उससे अधिक की अनुमति देती है जो वो चाहता है। वो एक दिन दुर्घटना विजय शिवानी चोपड़ा नाम के एक रिलेटिव के प्यार पहुंचते हैं, कमजोर होता है। वो तुरंत शिवानी के प्यार में पड़ जाता है। वो अपनी माँ के अपने प्यार के बारे में बताता है और उसकी माँ उसकी शादी करने के लिए सहमत हो जाती है। वहाँ शिवानी के घर जाने के रास्ते में उन्हें एक बुरा झटका लगता है, क्योंकि शिवानी ने एक एयरलाइंस पायलट अशोक चोपड़ा से शादी करनी थी। विजय इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में असमर्थ हो जाती है। शिवानी को उसके शादी करने
रहने के लिए मनाता रहता है। जब शिवानी को परिवार को भी नष्ट कर देता है तो उसे जेल भेज दिया जाता है। जब शिवानी जेल से छूटती है तो वो विजय से बदला लेने और उसके प्यार सारे पापों का शिवा हिसाब लेने के लिए योजना हम बनाते हैं। अंजाम डर के 5 महीने बाद रिलीज हुई। अंजाम के साथ शाहरुख खान ने डर में एक एंटी हीरो की भूमिका निभाई। यहाँ वो जूही चावला द्वारा निभाई गई। किरण के किरदार से जुनूनी रूप से प्यार करते हैं। वो जासूस हाजिश रचता है, धोखा देता है, हत्या करता है और अपहरण कर लेता है और किरण के जीवन पर लगभग नियंत्रण कर लेता है। इसमें पहले कि उसके मंगेतर सनी देओल ने उसे मौत के घाट उतार दिया। खान द्वारा लिखे फिल्म में निभाए गए चरित्रों के साथ असहाय प्रेम और जुनून की भावना जुड़ी हुई थी और अधिकांश ईशक उसने जुड़े थे और उन्होंने सनी देओल की तुलना में उनके लिए अधिक उत्साह बढ़ाया। भले ही वो सब कुछ बुरा करता है, वो किसी भी तरह से फिल्म का खलनायक नहीं था। वो एक नायक विरोधी अधिक था और वो कर रहा था जो वो अपने सपनों को लड़की के अपना बनाने के लिए कर रहा था। दीपिका पादुकोण की विशेष उपस्थिति में ये फिल्म बार बार था जब दीक्षित और खान को एक साथ जोड़ा गया था। समीर द्वारा लिखे गए गीत के साथ फिल्म का संगीत आनंद मिलन द्वारा रचित था। ये फिल्म एक ऐसी महिला के बारे में है जो अपने जुनूनी प्रेमी का खामियाज भुगत रही है। यह महिलाओं पर होने वाली अत्याचार पर भी केंद्रित है। यश चोपड़ा डर के अपने प्रदर्शन के लिए पिछले वर्ष पुरस्कार जीतने के विफल रहे थे। ये बात 40वें फिल्मफेयर पुरस्कार में अंजाम में अपने प्रदर्शन के लिए खान को सर्वश्रेष्ठ सहनायक का पुरस्कार जीता। इसके अलावा फिल्म के दीक्षित को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए अपना 7वां नामांकन भी लिया। लेकिन इसके बजाय उन्होंने हम आपके है कौन के लिए पुरस्कार जीता। खान के अपने पैना रेड चिली एंटरटेनमेंट के तहत इस फिल्म के अधिकार खरीदते हैं। शिवानी दोचवा एयर इंडियन के एयर होस्टेस हैं। वे अपने बहुत पश्चिमी और अपने जीजा मेहनलाल के साथ रहने हैं जो एक शराबी है और घोड़े को दौड़ पर मिलने वाले सभी पैसे दांव पर लग रहे हैं। शिवानी को मुलाकात एक धनी उद्योग विजय अग्निहोत्री से होती है जो तुरंत उसके साथ मुग्ध हो जाते हैं और लेकिन वो उससे कहीं दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं। विजय अपने पारंपरिक उद्योगों के मालिक है। वो अपने उच्चे के शिवानी मंडल लाने को कोशिश करते हैं लेकिन वो इसे मानते हैं कि वह नहीं है। वो उसका प्रेमी बनने के लिए उसका पीछा करता है, जारी रखता है लेकिन वो बार जो कि जाकिर खा जाता है। विजय अपनी माँ पद्मा को बताता है कि वो केवल शिवानी से ही शादी करेगा। जब वे शादी के लिए शिवानी के परिवार से संपर्क करते हैं तो वो देखते हैं कि शिवानी पहले से ही एक इंडिया एंड आइडल अशोक चोपड़ा से शादी कर रही हैं। विजय टूटा हुआ हैरान हो जाता है जबकि शिवानी और अशोक अपने शादी के तुरंत बाद पोस्ट हो जाते हैं और अमेरिका चले जाते हैं। 4 साल बाद विजय शिवानी को नहीं भूल पाया और उसके अपनी माँ द्वारा लगाए गए सभी शादी के प्रस्तावों को ठुकरा दिया। शिवानी और अशोक की एक बेटी सिविंकी शिवानी के जी इकाई परिवर्तक के रूप में अपनी नौकरी दोहरा की है और मानसिक रूप से शारीरिक रूप से विकलांगी के लिए एक अस्पताल में स्वेच्छा से काम करना शुरू कर देता है। विजय शिवानी के करीब आते हैं, उम्मीद में अशोक से दोस्ती करता है। वो अपनी खुद के एयरलाइंस शुरू करने की योजना बना रहे हैं जहां वो अशोक को उच्च वेतन वाले महाप्रबंधक के रूप में अशोक शिवानी पर विश्वास नहीं करते हैं और उसे विजय को असली चेहरे के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। विजय शिवानी और अशोक के एक नई कंपनी का घर देता है जिसमें जॉन के बाद शिवानी को पता चलता है कि वो गर्भवती है। वो अपने पति के साथ खबर साझा करते हैं लेकिन विजय ये कहते हुए बीच में आता है कि उसने शिवानी के स्वामित्व के नई एयरलाइंस के विज्ञापन के लिए इस्तेमाल किए हैं। जब शिवानी की दोस्ती हो जाती है तो फिर दूसरे ही के कशिश अपनी नौकरी ने घर को छोड़ दिया है और वो इसके बजाय परिवार का समर्थन करने के लिए काम करेंगे। अपमानित और क्रोधित अशोक ने शिवानी को थप्पड़ मारा और उसे स्वीकार कर दिया और जो अपने बड़े छत्तावे के लिए घर छोड़ देते हैं। विजय ने दिया कि वो प्रकरण के है और अशोक को बुरी तरह से पीटता है। जब वो अस्पताल में भर्ती होती है विजय शिवानी को मौजूदगी में अपनी असंजिक मार्क्स हटा देता है। उसकी मदद हो जाती है। वो पुलिस को समझने की कोशिश करता है जो अशोक की मौत के लिए विजय जिम्मेदार था। हालांकि विजय अपने दोस्त बावजूद उसके वो उसे छोड़ दे। इस दौरान वो शिवानी के मिलने जाता है और उसे कहा जाता है कि वो उसे प्यार करती है। जैसे ही वो मना करती है वो उसकी विफल करता है। उसे उसकी हत्या के प्रयास के लिए
फरियाद करता है। उसे 3 साल जेल सुनाई गई क्योंकि वो अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सकी। पिंकी की पश्चिम और मोहनलाल के देखभाल में रखा गया है। मोहनलाल अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करता है, पिंकी को बोझ करता है। शिवानी अपने सेलमेट निशा से मिलती है, जिस पर दहेज के एक मामले में गलत तरीके से हत्या का आरोप लगाया गया था। वे एक पूर्व जेल वार्डन के निगरानी में जेल में अपना दर्द साझा करते हैं, जो जेल के कैदियों को रात में राजनीतिक नेताओं के लिए वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर करता था। जेल में भागने की कोशिश में वो अपने जेल प्रहरी को क्रूरता की शिकायत करते हैं, लेकिन उसकी दलील को मनोरंजन नजरअंदाज कर दिया जाता है। उसके बजाय इंस्पेक्टर अर्जुन ने वार्डन को बताया कि शिवानी ने ही उसकी अवैध गतिविधियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। मोहनलाल पश्चिम को पिंकी को छोड़ने के लिए मजबूर करता है, लेकिन वो मना कर देती है। आवाज जवाब में उसने पश्चिम और पिंकी दोनों को बाहर कर दिया। जवाब गलती से शिवानी को बाहर और बेटी पर अपनी कार चलाकर उन्हें मार डालता है। शिवानी को उनकी मौत के बारे में पता चलता है। उन्हें पता चलता है कि विजय ने उन्हीं उन्हें मारा है। जब वो उनके परिवार का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जाने की फैसला करता है, उस दिन रात के लिए एक कैसे को लेने के लिए राजनेताओं की यात्रा के दौरान शिवानी उल्टी कर देती है। जब जेल प्रहरी को पता चलता है कि शिवानी ने शिकायत की, तो वो उसे बुरी तरह से पीटता है और उसे एक अवैध अलगाव कक्ष में फेंक देती है, जिससे उसका गर्भपात हो जाता है। उसे सभी प्रियजनों के निधन के साथ शिवानी दुनिया के लिए स्वतंत्र थी। जब जीने उसका एकमात्र मकसद उन सभी लोगों से बदलाव लेना था, उन्होंने उनके साथ गलत किया था। जब वो जेल में रात भर पूजा कार्यक्रम की योजना बनाकर जेल वो चुपके से भाग जाती है और जेल वार्डन की फांसी के फंदे पर चीख कर मार देती है और उसे लटका देती है, जैसा ही कई सबूत नहीं है और एक मजबूत बहाना थी। शिवानी को उसके लिए दोषी नहीं ठहराया था है। 3 साल बाद शिवानी जेल से रिहा होता है। पहले उसने मोहनलाल की रुपए के नोटिस के लगाकर उसके वहाँ से महत्वपूर्ण बात्रा में मांस बजाकर मार डाला। इंस्पेक्टर अर्जुन को हत्या के लिए शिवानी पर शक थे। जब शिवानी अपनी बेटी की कब्र पर विलाप कर रही थी, इंस्पेक्टर अर्जुन उसे रोकने के लिए सीधे उसकी कब्र पर कदम रखा है। जब वो रिछा करता है तो खलिहाल ने उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास करता है, लेकिन शिवानी उस पर हावी हो जाते और खलिहान ने आग लगा दी, जिसमें वो मार जाता है। शिवानी विजय के घर जाती है, लेकिन वो उसे चलता है पता चलता है विजय अपनी उसकी माँ के 2 साल पहले वहाँ से चले गए। वो उस अस्पताल में विकलांगों के सेवा करने के लिए अपना जीवन समर्पित करने का फैसला करती है, जहाँ वो स्वेच्छा से काम करती है। वहाँ के डॉक्टर ने सुझाव दिया कि वो टिकांग के अपने नए अस्पताल में रहें। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो बात ही देहपाता के सेनेटोरियम विजय की मां ने बताया था कि शिवानी ने विजय की रेखाग्रस्त अवस्था में गर्भगृह के पाया कार दुर्घटना के कारण चलने की क्षमता खो दे रही है, जिसमें शिवानी को बहन और बेटी के मौत की हो गई। वो उसके पुनर्वास के लिए स्वेच्छा के काम करते। शिवानी के प्यार में अध्ययन से विजय ठीक हो जाता है। विजय शिवानी के साथ बार फिर से उसके प्यार में पड़ जाते हैं। शादी के करने लिए कहते हैं क्योंकि उसके पास जीवन में कई अन्य विकल्प नहीं है। चाकू मारने से पहले शिवानी ने उसे आगे लगा दिया। वो कबूल करती है कि उसे एक उद्देश्य के लिए स्वास्थ्य के लिए नर्स किया उसे मारने के लिए, क्योंकि वो एक अक्षय व्यक्ति और मरे माना पाप हो जाता है, खुद को बचाव नहीं कर सकता। अपने हतपाई में वे शिवानी के पैर पर विजय के साथ एक चट्टान में लपटने हुए समाप्त हो जाते हैं। विजय का कहना है कि अगर उसकी मौत हो जाती है तो वो शिवानी को अपने साथ जो ले जाएगा, ये तय करते हुए कि विजय के लिए उसके सीने से ज़्यादा जरूरी मरना है। शिवानी जाने देता है, जिससे दोनों की मौत हो जाती है। लाला शिवानी चोपड़ा के रूप में, माधुरी दीक्षित विजय अग्निहोत्री के रूप में, शाहरुख खान सुधा चंद्रन पंडित सिंह शिवानी के बहन और मोहनलाल की पत्नी के रूप में, तीनू आनंद मोहनलाल शिवानी के बहनोई के पत्निया के रूप में, चंदा चमेली के रूप में, जॉनी लीवर फिल्म की पद्मा अग्निहोत्री के विजय की माँ के रूप में, बीना बनर्जी बीना पूरी शिवानी के दोस्त और जेल में आत्मविश्वासी किरण कुमार इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह के रूप में, दीपक तिजोरी अशोक चोपड़ा शिवानी के रूप में, नीतीश भूमिका कल्पनान्या जेल वार्डन के रूप में, नीतीश हिंदू मंत्री बनने, पिंकी चोपड़ा अशोक के शिवानी की पत्नी के रूप में। विजय अग्निहोत्री एक अमीर बिगड़ेल आदमी है, जो मुंबई शहर में अपनी माँ के साथ रहता है। अपनी माँ के असी उसे कुछ सब कुछ और उससे अधिक की अनुमति देती है जो वो चाहता है। वो एक दिन दुर्घटना विजय शिवानी चोपड़ा नाम के एक
अपने रिलेटिव्स के प्यार पहुँचते कमज़ोर होता है, वो तुरंत शिवानी के प्यार में पड़ जाता है। वो अपनी माँ के अपने प्यार के बारे में बताता है और उसकी माँ उसकी शादी करने के लिए सहमत हो जाती है। वहाँ शिवानी के घर जाने के रास्ते में उन्हें एक बुरा झटका लगता है क्योंकि शिवानी ने एक एयरलाइंस पायलट अशोक चोपड़ा से शादी कर ली थी। विजय इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में समर्थ हो जाती है। शिवानी को उसके शादी करने के लिए मनाता रहता है। जब शिवानी को परिवार को भी नष्ट कर देता है तो उसे जेल भेज दिया जाता है। जब शिवानी जेल से छूटती है तो वो विजय से बदला लेने और उसके प्यार सारे पापों का हिसाब लेने के लिए योजना बनाते हैं। अंजाम डर के 5 महीने बाद रिलीज हुई। अंजाम के साथ शाहरुख खान ने डर में एक एंटी हीरो की भूमिका निभाई। यहां वो जूही चावला द्वारा निभाई गई। किरण के किरदार से जुनूनी रूप से प्यार करते हैं। वो जासूस राजेश रस्ता धोखा देता है, हत्या करता है और अपहरण कर लेता है और किरण के जीवन पर लगभग नियंत्रण कर लेता है। इसमें पहले कि उसके मंगेतर सनी देओल ने उसे मौत के घाट उतार दिया। खान द्वारा लिखे फिल्म में निभाए गए चरित्र के साथ असहाय प्रेम और जुनून की भावना जुड़ी हुई थी और अधिकांश ईशक उसने जुड़े थे और उन्होंने सनी देओल की तुलना में उनके लिए अधिक उत्साह बढ़ाया। भले ही वो सब कुछ बुरा करता है, वो किसी भी तरह से फिल्म का खलनायक नहीं था। वो एक नायक विरोधी अधिक था और वो कर रहा था जो वो अपने सपनों को लड़की के अपना बनाने के लिए कर रहा था। दीपिका प्रतिवर्ती विशेष उपस्थिति में ये फिल्म बार बार था जब दीक्षित और खान को एक साथ जोड़ा गया था। समीर द्वारा लिखे गए गीत के साथ फिल्म का संगीत आनंद मिलिंद द्वारा रचित था। ये फिल्म एक ऐसी महिला के बारे में है जो अपने जुनूनी प्रेमी का खामियाज भुगत रही है। यह महिला पर होने वाली अत्याचार पर भी केंद्रित है। यश चोपड़ा डर के अपने प्रदर्शन के लिए पिछले वर्ष पुरस्कार जीतने के विफल रहते हैं। 40वें फिल्मफेयर पुरस्कार में अंजाम में अपने प्रदर्शन के लिए खान को सर्वश्रेष्ठ सहनायक को पुरस्कार जीता। इसके अलावा फिल्म के दीक्षित को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए अपना 7वां नामांकन भी गया, लेकिन इसके वजह उन्होंने हम आपके है कौन के लिए पुरस्कार जीता। खान के अपने पैना रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के तहत इस फिल्म के अधिकार खरीदते हैं। शिवानी दोचपा एयर इंडियन के एयर होस्टेस हैं। वे अपने बहुत लक्ष्मी और अपने जीजा मोहनलाल के साथ रहन हैं जो एक शराबी है और घोड़े को दौड़ पर मिलने वाले सभी पैसे दांव पर लग रहे हैं। शिवानी को मुलाकात एक धनी उद्योग विजय अग्निहोत्री से होती है जो तुरंत उसके साथ मुग्ध हो जाते हैं, लेकिन वो उससे कहीं दिलचस्पी नहीं दिखाते। विजय अपने पारंपरिक उद्योगों के मालिक है। वो अपने नीचे के शिवानी मंडल लाने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसे मानते हैं कि वह नहीं है। वो उसका प्रेमी बनने के लिए उसका पीछा करता है, जारी रखता है, लेकिन वो बार जो कि जाकिर खा जाता है। विजय अपनी माँ पद्मा को बताता है कि वो केवल शिवानी से ही शादी करेगा। जब वे शादी के लिए शिवानी के परिवार से संपर्क करते हैं तो वो देखते हैं कि शिवानी पहले से ही एक इंडिया एंड आइडल अशोक चोपड़ा से शादी कर रही है। विजय टूटा हुआ हैरान हो जाता है, जबकि शिवानी और अशोक अपने शादी के तुरंत बाद पोस्ट हो जाते हैं और अमेरिका चले जाते हैं। 4 साल बाद विजय शिवानी को नहीं भूल पाया और उसके माँ द्वारा लगाए गए सभी शादी के प्रस्तावों को ठुकरा दिया। शिवानी और अशोक की एक ब्रिटिश विंकी शिवानी के जी इकाई परिवर्तक के रूप में अपनी नौकरी दौड़ा की है और मानसिक रूप से शारीरिक रूप से विकलांगी के लिए एक अस्पताल में स्वेच्छा से काम करना शुरू कर देता है। विजय शिवानी के करीब आते हैं, उम्मीद में अशोक से दोस्ती करता है। वो अपनी खुद के एयरलाइंस शुरू करने की योजना बना रहे हैं जहाँ वो अशोक को उच्च वेतन वाले महाप्रबंधक के रूप में अशोक शिवानी पर विश्वास नहीं करते हैं और उसे विजय को असली चेहरे के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। विजय शिवानी और अशोक के एक नई कंपनी का घर देता है जिसमें जॉन के बाद शिवानी को पता चलता है कि वो गर्भवती है। वो अपने पति के साथ खबर साझा करती हैं, लेकिन विजय ये कहते हुए बीच में आता है कि उसने शिवानी के स्वामित्व के नए एयरलाइंस के विज्ञापन के लिए इस्तेमाल किए हैं। जब शिवानी उनकी दोस्ती हो जाती है तो फिर दूसरे ही एक शीश अपनी नौकरी ने घर को छोड़ दिया है और वो इसके बजाय परिवार का समर्थन करने के लिए काम करेंगे। अपमानित और क्रोधित अशोक ने शिवानी को थप्पड़ मारा और उसे स्वीकार कर दिया और जो अपने बड़े छिपावे के लिए घर छोड़ देते हैं। विजय ने
दिया कि वो कुकरण के है और अशोक को बुरी तरह से पीटता है। जब वो अस्पताल में भर्ती होती है, विजय शिवानी को मौजूदगी में अपनी असंजित मार्क्स हटा देता है, उसकी मदद हो जाती है। वो पुलिस को समझने की कोशिश करता है जो अशोक की मौत के लिए विजय जिम्मेदार था। हालांकि विजय अपने दोस्त बावजूद उसके वो उसे छोड़ दे। इस दौरान वो शिवानी के मिलने जाता है और उसे कहा जाता है कि वो उसे प्यार करती है। जैसे ही वो मना करते हैं, वो उसकी विफाई करता है, उसे उसकी हत्या के प्रयास के लिए फरियाद करता है। उसे 3 साल जेल मिली गई क्योंकि वो अपने बेगुनाही साबित नहीं कर सकी। पिंकी की पश्चिम और मोहनलाल की देखभाल में रखा गया है। मोहनलाल अपनी पत्नी के साथ व्यवहार करता है, पिंकी को बोझ करता है। शिवानी अपने सेलमेट निशा से मिलती है, जिस पर दहेज के एक मामले में गलत तरीके से हत्या का आरोप लगाया गया था। वे एक उप जेल वार्डन के निगरानी में जेल में अपना दर्द साझा करते हैं, जो जेल के कैदियों को रात में राजनीतिक नेताओं के लिए बेसब्री के लिए मजबूर करता था। जेल में भागने की कोशिश में वो अपने जेल प्रहरी को क्रूरता की शिकायत करते हैं, लेकिन उसकी दलील को मनोरंजन नजरअंदाज कर दिया जाता है। उसके बजाय इंस्पेक्टर अर्जुन ने वार्डन को बताया कि शिवानी ने ही उसकी अवैध गतिविधियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। मोहनलाल पश्चिम को पिंकी को छोड़ने के लिए मजबूर करता है, लेकिन वो मना कर देते हैं। आवाज जवाब में उसने पश्चिम और पिंकी दोनों को बाहर कर दिया। जवाब गलती से शिवानी को बाहर और बेटी पर अपनी कार चलाकर उन्हें मार डालता है। शिवानी को उनकी मौत के बारे में पता चलता है, उन्हें पता चलता है कि विजय ने ही उन्हें मारा है। जब वो उनके परिवार का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जाने का फैसला करता है, उस दिन रात के लिए एक कैसे को लेने के लिए राजनेताओं की यात्रा के दौरान शिवानी उल्टी कर देती है। जब जेल प्रहरी को पता चलता है कि शिवानी ने शिकायत की, तो वो उसे बुरी तरह से पीटता है और उसे एक अवैध अलगाव कक्ष में फेंक देती है, जिससे उसका गर्भपात हो जाता है। उसे सभी प्रियजनों के निधन के साथ शिवानी दुनिया के लिए स्वतंत्र थी। जब जीने उसका एकमात्र मकसद उन सभी लोगों से बदलाव लेना था, उन्होंने उनके साथ गलत किया था। जब वो जेल में रात भर पूजा कार्यक्रम की योजना बनाकर जेल बोचुपके से भाग जाती है और जेल वार्डन की फांसी के फंदे पर चीख कर मार देती है और उसे लटका देती है, जैसे सबूत नहीं है और एक मजबूत बहाना थे। शिवानी को उसके लिए दोषी नहीं ठहराया था। 3 साल बाद शिवानी जेल से रिहा होता है। पहले उसने मोहनलाल के रुपए के नोटिस के लगाकर उसके वहाँ से महत्वपूर्ण बात्रा में मांस बनाकर मार डाला। इंस्पेक्टर अर्जुन को हत्या के लिए शिवानी पर शक थे। जब शिवानी अपनी बेटी की कब्र पर विलाप कर रही थी, इंस्पेक्टर अर्जुन उसे रोकने के लिए सीधे उसकी कब्र पर कदम रखा है। जब वो रिछा करता है तो खलिहाल ने उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास करता है, लेकिन शिवानी उस पर हावी हो जाते और खलिहान ने आग लगा दी, जिसमें वो मार जाता है। शिवानी विजय के घर जाती है, लेकिन वो उसे चलता है पता चलता है विजय अपनी उसकी माँ के 2 साल पहले वहाँ से चले गए। वो उस अस्पताल में विकलांगों के सेवा करने के लिए अपना जीवन समर्पित करने का फैसला करते हैं, जहाँ वो स्वेच्छा से काम करती है। वहाँ के डॉक्टर ने सुझाव दिया कि वो टीकाओं के अपने नए अस्पताल में रहें। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो देवपाता के सेनेटोरियम विजय की माँ ने बताया था कि शिवानी ने विजय की दुखाग्रस्त अवस्था में गर्भगृह के पाया कार दुर्घटना के कारण चलने की क्षमता खो दे रही है, जिसमें शिवानी को बहन और बेटी के मौत की हो गई। वो उसके पुनर्वास के लिए स्वेच्छा के काम करते। शिवानी के प्यार में अध्ययन से विजय ठीक हो जाता है। विजय शिवानी के साथ बार फिर से उसके प्यार में पड़ जाते हैं, शादी के करने लिए कहते हैं क्योंकि उसके पास जीवन में कई अन्य विकल्प नहीं है। चाकू मारने से पहले शिवानी ने उसे आगे लगा दिया। वो कबूल करते हैं कि उसे एक उद्देश्य के लिए स्वास्थ्य के लिए नर्स किया, उसे मारने के लिए क्योंकि वो एक अक्षय व्यक्ति और मर माना पाप हो जाता है, खुद को बचाव नहीं कर सकता। अपने हतपाई में वे शिवानी के पैर पर विजय के साथ एक चट्टान में लपटने हुए समाप्त हो जाते हैं। विजय का कहना है कि अगर उसकी मौत हो जाती है तो वो शिवानी को अपने साथ जो ले जाएगा, ये तय करते हुए कि विजय के लिए उसके सीने से ज़्यादा जरूरी मरना है। शिवानी जाने देता है, जिससे दोनों की मौत हो जाती है। लाला शिवानी चोपड़ा के रूप में माधुरी दीक्षित, विजय अग्निहोत्री के रूप में शाहरुख खान, सुधा चंद्रन पंत सिंह शिवानी के बहन और मोहनलाल की पत्नी के रूप में तीनू आनंद, मोहनलाल शिवानी के बहनोई के पत्निया के रूप में चंदा चमेली के रूप में जॉनी लीवर, प्रेमती पद्मा अग्निहोत्री के विजय की माँ के रूप में बीना बनर्जी, बीना
मसीह देश पूरी शिवानी के दोस्त और जेल में आत्मविश्वासी किरण कुमार इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह के रूप में, दीपक तिजोरी अशोक चोपड़ा शिवानी के रूप में, नीतीश भूमिका कल्पना जेल वार्डन के रूप में, नीतीश हिंदू नीतीश बनने पिंकी चोपड़ा अशोक के शिवानी की पत्नी के रूप में, विजय अग्निहोत्री एक अमीर बिगड़ेल आदमी है जो मुंबई शहर में अपनी माँ के साथ रहता है, अपनी माँ के ऐसी उसे कुछ सब कुछ और उससे अधिक की अनुमति देती है जो वो चाहता है। वो एक दिन दुर्घटना विजय शिवानी चोपड़ा नाम के एक रिलेशंस के प्यार पहुँचते हैं, कमजोर होता है, वो तुरंत शिवानी के प्यार में पड़ जाता है। वो अपनी माँ के अपने प्यार के बारे में बताता है और उसकी माँ उसकी शादी करने के लिए सहमत हो जाती है। वहाँ शिवानी के घर जाने के रास्ते में उन्हें एक बुरा झटका लगता है क्योंकि शिवानी ने एक एयरलाइंस पायलट अशोक चोपड़ा से शादी करनी थी। विजय इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में असमर्थ हो जाते हैं, शिवानी को उसके शादी करने के लिए मनाता रहता है। जब शिवानी को परिवार को भी नष्ट कर देता है तो उसे जेल भेज दिया जाता है। जब शिवानी जेल से छूटती है तो वो विजय से बदला लेने और उसके प्यार सारे पापों का सिवा हिसाब लेने के लिए योजना बनाते हैं। अंजाम डर के 5 महीने बाद रिलीज हुई। अंजाम के साथ शाहरुख खान ने डर में एक एंटी हीरो की भूमिका निभाई जहां वो जूही चावला द्वारा निभाई गई। किरण के किरदार से जुनूनी रूप से प्यार करते हैं। वो जासिर राजेश रस्ता धोखा देता है, हत्या करता है और अपहरण कर लेता है और किरण के जीवन पर लगभग नियंत्रण कर लेता है। इसमें पहले कि उसके मंगेतर सनी देओल ने उसे मौत के घाट उतार दिया। खान द्वारा लिखे फिल्म में निभाए गए चरित्र के साथ असहाय प्रेम और जुनून की भावना जुड़ी हुई थी और अधिकांश इशक उसने जुड़े थे और उन्होंने सनी देओल की तुलना में उनके लिए अधिक उत्साह बढ़ाया। भले ही वो सब कुछ बुरा करता है, वो किसी भी तरह से फिल्म का खलनायक नहीं था। वो एक नायक विरोधी अधिक था और वो कर रहा था जो वो अपने सपनों को लड़की के अपना बनाने के लिए कर रहा था। दीपिका प्रतिवादी विशेष उपस्थिति में यह फिल्म बार बार था जब दीक्षित और खान को एक साथ जोड़ा गया था। समीर द्वारा लिखे गए गीत के साथ फिल्म का संगीत आनंद मिलिंद द्वारा रचित था। यह फिल्म एक ऐसी महिला के बारे में है जो अपने जुनूनी प्रेमी का खामियाज भुगत रही है। यह महिला पर होने वाली अत्याचार पर भी केंद्रित है। यश चोपड़ा डर के अपने प्रदर्शन के लिए पिछले वर्ष पुरस्कार जीतने के लिए रहते हैं। यह बात 40वें फिल्मफेयर पुरस्कार में अंजाम में अपने प्रदर्शन के लिए खान को सर्वश्रेष्ठ सहनायक का पुरस्कार जीता। इसके अलावा फिल्म के दीक्षित को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए अपना 7वां नामांकन भी गया, लेकिन इसके वजह उन्होंने हम आपके है कौन के लिए पुरस्कार जीता। खान के अपने पैना रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के तहत इस फिल्म के अधिकार खरीदते हैं। शिवानी दोचवा एयर इंडियन के एयर होस्टेस हैं। ये अपने बहुत लक्ष्मी और अपने जीजा मोहनलाल के साथ रहे हैं जो एक शराबी है और घोड़े को दौड़ पर मिलने वाले सभी पैसे दांव पर लग रहे हैं। शिवानी को मुलाकात एक धनी उद्योग विजय अग्निहोत्री से होती है जो तुरंत उसके साथ मुग्ध हो जाते हैं और लेकिन वो उससे कहीं दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं। विजय अपने पारंपरिक उद्योगों के मालिक है। वो अपने मूछे के शिवानी मंडल लाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो इसे मानते हैं कि वह नहीं है। वो उसका प्रेमी बनने के लिए उसका पीछा करता है, जारी रखता है लेकिन वो बार जाकिर खा जाता है। विजय अपनी माँ पद्मा को बताता है कि वो केवल शिवानी से ही शादी करेगा। जब वे शादी के लिए शिवानी के परिवार से संपर्क करते हैं तो वो देखते हैं कि शिवानी पहले से ही एक इंडिया एंड आइडल अशोक चोपड़ा से शादी कर रहे हैं। विजय टूटा हुआ हैरान हो जाता है जबकि शिवानी और अशोक अपने शादी के तुरंत बाद पोस्ट हो जाते हैं और अमेरिका चले जाते हैं। 4 साल बाद विजय शिवानी को नहीं भूल पाया और उसके माँ द्वारा लगाए गए सभी शादी के प्रस्तावों को ठुकरा दिया। शिवानी और अशोक की एक बेटी सिविंकी शिवानी के इकाई परिवर्तक के रूप में अपनी नौकरी दोहरा की है और मानसिक रूप से शारीरिक रूप से विकलांगी के लिए एक अस्पताल में स्वेच्छा से काम करना शुरू कर देता है। विजय शिवानी के करीब आते हैं, उम्मीद में अशोक से दोस्ती करता है। वो अपनी खुद के एयरलाइंस शुरू करने की योजना बना रहे हैं जहाँ वो अशोक को उच्च वेतन वाले महाप्रबंधक के रूप में अशोक शिवानी पर विश्वास नहीं करते हैं और उसे विजय को असली चेहरे के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। विजय शिवानी और अशोक के एक नई कंपनी का घर देता है जिसमें जॉन के बाद शिवानी को पता चलता है कि वो गर्भवती है। वो अपने पति के साथ खबर साझा करती हैं लेकिन विजय ये कहते हुए बीच में आता है कि उसने शिवानी के स्वामित्व के लिए एयरलाइंस के विज्ञापन के लिए इस्तेमाल किए हैं। जब शिवानी
उनकी दोस्ती हो जाती है तो फिर दूसरे हैं कि कशिश अपनी नौकरी ने घर को छोड़ दिया है और वो इसके बजाय परिवार का समर्थन करने के लिए काम करेंगी। अपमानित और क्रोधित अशोक ने शिवानी को थप्पड़ मारा और उसे स्वीकार कर दिया और जो अपने बड़े छतावे के लिए घर छोड़ देते हैं। विजय ने दिया कि वो कुपकरण के है और अशोक को बुरी तरह से पीटता है। जब वो अस्पताल में भर्ती होती है, विजय शिवानी को मौजूदगी में अपनी असंजित मार्क्स हटा देता है, उसकी मदद हो जाती है। वो पुलिस को समझने की कोशिश करता है जो अशोक की मौत के लिए विजय जिम्मेदार था। हालांकि विजय अपने दोस्त बावजूद उसके वो उसे छोड़ दे। इस दौरान वो शिवानी के मिलने जाता है और उसे कहा जाता है कि वो उसे प्यार करते हैं। जैसे ही वो मना करते हैं, वो उसकी विफल करते हैं, उसे उसकी हत्या के प्रयास के लिए फरियाद करता है। उसे 3 साल जेल में गई क्योंकि वो अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सकी। पिंकी की पश्चिम और मोहनलाल की देखभाल में रखा गया है। मोहनलाल अपनी पत्नी के साथ व्यवहार करता है, पिंकी को बोझ करता है। शिवानी अपने सेलमेट निशा से मिलती है, जिस पर दहेज के एक मामले में गलत तरीके से हत्या का आरोप लगाया गया था। वे एक पूर्व जेल वार्डन के निगरानी में जेल में अपना दर्द साझा करते हैं, जो जेल के कैदियों को रात में राजनीतिक नेताओं के लिए बेसब्री के लिए मजबूर करता था। जेल में भागने की कोशिश में वो अपने जेल प्रहरी को क्रूरता की शिकायत करते हैं, लेकिन उसकी दलील को मनोरंजन नजरअंदाज कर दिया जाता है। उसके बजाय इंस्पेक्टर अर्जुन ने वार्डन को बताया कि शिवानी ने ही उसकी अवैध गतिविधियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। मोहनलाल पश्चिम को पिंकी को छोड़ने के लिए मजबूर करता है, लेकिन वो मना कर देती है। आवाज जवाब में उसने पश्चिमी और पिंकी दोनों को बाहर कर दिया। जवाब गलती से शिवानी को बाहर और बेटी पर अपनी कार चलाकर उन्हें मार डालता है। शिवानी को उनकी मौत के बारे में पता चलता है। उन्हें पता चलता है कि विजय ने ही उन्हें मारा है। जब वो उनके परिवार का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जाने की फैसला करता है, उस दिन रात के लिए एक कैसे को लेने के लिए राजनेताओं की यात्रा के दौरान शिवानी उल्टी कर देती है। जब जेल प्रहरी को पता चलता है कि शिवानी ने शिकायत की, तो वो उसे बुरी तरह से पीटता है और उसे एक अवैध अलगाव कक्ष में फेंक देती है, जिससे उसका गर्भपात हो जाता है। उसे सभी प्रियजनों के निधन के साथ शिवानी दुनिया के लिए स्वतंत्र थी। जब जीने उसका एकमात्र मकसद उन सभी लोगों से बदलाव लेना था, उन्होंने उनके साथ गलत किया था। जब वो जेल में रात भर पूजा कार्यक्रम की योजना बनाकर जेल बोचुपके से भाग जाती है और जेल वार्डन की फांसी के फंदे पर चीख कर मार देती है और उसे लटका देती है, जिससे सबूत नहीं है और एक मजबूत बहाना थी। शिवानी को उसके लिए दोषी नहीं ठहराया था। 3 साल बाद शिवानी जेल से रिहा होता है। पहले उसने मोहनलाल की रुपये के नोटिस की लगाकर उसके वहाँ से महत्वपूर्ण मात्रा में मांस बजाकर मार डाला। इंस्पेक्टर अर्जुन को हत्या के लिए शिवानी पर शक थे। जब शिवानी अपनी बेटी की कब्र पर विलाप कर रही थी, इंस्पेक्टर अर्जुन उसे रोकने के लिए सीधे उसकी कब्र पर कदम रखा है। जब वो रिछा करता है तो खलिहाल ने उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास करता है, लेकिन शिवानी उस पर हावी हो जाते और खलिहान ने आग लगा दी, जिसमें वो मार जाता है। शिवानी विजय के घर जाती है, लेकिन वो उसे चलता है पता चलता है विजय अपने उसकी माँ के 2 साल पहले वहाँ से चले गए। वो उस अस्पताल में विकलांगों की सेवा करने के लिए अपना जीवन समर्पित करने का फैसला करते हैं, जहाँ वो स्वेच्छा से काम करते हैं। वहाँ के डॉक्टर ने सुझाव दिया कि वो ठीक के अपने नए अस्पताल में रहे। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो देहपाता के सेनेटोरियम विजय की माँ ने बताया था कि शिवानी ने विजय की मुखाग्रस्त अवस्था में गर्भगृह के पाया कार दुर्घटना के कारण चलने की क्षमता खो दे रही है, जिसमें शिवानी की बहन और बेटी के मौत की हो गई। वो उसके पूर्ववास के लिए स्वेच्छा के काम करते। शिवानी के प्यार में अध्ययन से विजय ठीक हो जाता है। विजय शिवानी के साथ बार फिर से उसके प्यार में पड़ जाते हैं। शादी के करने लिए कहते हैं क्योंकि उसके पास जीवन में कई अन्य विकल्प नहीं है। चाकू मारने से पहले शिवानी ने उसे आगे लगा दिया। वो कबूल करते हैं कि उसे एक उद्देश्य के लिए स्वास्थ्य के लिए नर्स किया, उसे मारने के लिए, क्योंकि वो एक अक्षय व्यक्ति और मर माना पाप हो जाता है, खुद को बचाव नहीं कर सकता। अपने अतपाई में वे शिवानी के पैर पर विजय के साथ एक चट्टान में लपटने के लिए समाप्त हो जाते हैं। विजय का कहना है कि अगर उसकी मौत हो जाती है तो वो शिवानी को अपने साथ जो
लोहे दे जाएगा। ये तय करते थे कि विजय के लिए उसके सीने से राजा जौहरी मन्ना शिवानी जाने देता है, जिससे दोनों की मौत हो जाती है। लालना शिवानी चोपड़ा के रूप में माधुरी दीक्षित, विजय अग्निहोत्री के रूप में शाहरुख खान, सुधा चंद्रन पंत सिंह शिवानी के बहन और मोहनलाल की पत्नी के रूप में तीनू आनंद, मोहनलाल शिवानी के बहनोई के पत्निया के रूप में चंदा चुनेली के रूप में जॉनी लीवर, प्रेमवती पद्मा अग्निहोत्री के विजय की माँ के रूप में बीना बनर्जी, बीना पूरी शिवानी के दोस्त और जेल में आत्मविश्वासी किरण कुमार, इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह के रूप में दीपक तिजोरी, अशोक चोपड़ा शिवानी के रूप में नीतीश, भूमिका कल्पना जेल वार्डन के रूप में नीतीश, हिंदू मंत्री बनने पिंकी चोपड़ा, अशोक के शिवानी की पत्नी के रूप में विजय अग्निहोत्री एक अमीर बिगड़ेल आदमी है जो मुंबई शहर में अपनी माँ के साथ रहता है। अपनी माँ के असी उसे कुछ सब कुछ और उससे अधिक की अनुमति देती है जो वो चाहता है। वो एक दिन दुर्घटना विजय शिवानी चोपड़ा नाम के एक रिलेशन के प्यार पहुँचते कमजोर होता है। वो तुरंत शिवानी के प्यार में पड़ जाता है। वो अपनी माँ के अपने प्यार के बारे में बताता है और उसकी माँ उसकी शादी करने के लिए सहमत हो जाती है। वहाँ शिवानी के घर जाने के रास्ते में उन्हें एक बुला झटका लगता है, क्योंकि शिवानी ने एक एयरलाइंस पायलट अशोक चोपड़ा से शादी करने की, विजय इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में असमर्थ हो जाते हैं। शिवानी को उसके शादी करने के लिए मनाता रहता है। जब शिवानी को परिवार को भी नष्ट कर देता है तो उसे जेल भेज दिया जाता है। जब शिवानी जेल से छूटती है तो वो विजय से बदला लेने और उसके प्यार सारे पापों का शिवा हिसाब लेने के लिए योजना बनाते हैं। अंजाम डर के 5 महीने बाद रिलीज हुई। अंजाम के स्टार शाहरुख खान ने डर में एक एंटी हीरो की भूमिका निभाई, जहां वो जूही चावला द्वारा निभाए गए किरण के किरदार से जुनूनी रूप से प्यार करते हैं। वो जासी राजेश रास्ता धोखा देता है, हत्या करता है और अपहरण कर लेता है और किरण के जीवन पर लगभग नियंत्रण कर लेता है। इसमें पहले कि उसके मंगेतर सनी देओल ने उसे मौत के घाट उतार दिया। खान द्वारा लिखे फिल्म में निभाए गए चरित्र के साथ असहाय प्रेम और अर्जुन की भावना जुड़ी हुई थी और अधिकांश ईशक उसने जुड़े थे और उन्होंने सनी देओल की तुलना में उनके लिए अधिक उत्साह बढ़ाया। भले ही वो सब कुछ बुरा करता है, वो किसी भी तरह से फिल्म का खिलाफ नहीं था। वो एक नायक विरोधी अधिक था और वो कर रहा था जो वो अपने सपनों को लड़की के अपना बनाने के लिए कर रहा था। विशेष उपस्थिति में यह फिल्म बार बार था जब दीक्षित और खान को एक साथ जोड़ा गया था। समीर द्वारा लिखे गए गीत के साथ फिल्म का संगीत आनंद मिलन द्वारा रचित था। यह फिल्म एक ऐसी महिला के बारे में है जो अपने जूनी प्रेमी का खामियाज भुगत रही है। यह महिला पर होने वाली अत्याचार पर भी केंद्रित है। यश चोपड़ा डर के अपने प्रदर्शन के लिए पिछले वर्ष पुरस्कार जीतने के विफल रहते हैं के बाद 40वें फिल्मफेयर पुरस्कार में अंजाम में अपने प्रदर्शन के लिए खान को सर्वश्रेष्ठ सहायक नायक का पुरस्कार जीता। इसके अलावा फिल्म के दीक्षित को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए अपना 7वां नामांकन भी गया, लेकिन इसके वजह उन्होंने हम आपके है कौन के लिए पुरस्कार जीता। खान के अपने पैना हेरिट चिल्स एंटरटेनमेंट के तहत इस फिल्म के अधिकार खरीदते हैं। शिवानी दोचवा एयर इंडियन के एयर होस्टेस हैं। ये अपने बहुत बच्ची और अपने जीजा मोहनलाल के साथ रहे हैं जो एक शराबी है और घोड़े को दौड़ पर मिलने वाले सभी पैसे दांव पर लग रहे हैं। शिवानी को मुलाकात एक धनी उद्योग विजय अग्निहोत्री से होती है जो तुरंत उसके साथ मुग्ध हो जाते हैं और लेकिन वो उससे कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते। विजय अपने पारंपरिक उद्योगों के मालिक है। वो अपने नीचे के शिवानी मंडल लाने को कोशिश करता है लेकिन वो इसे मानते हैं कि वह नहीं है। वो उसका प्रेमी बनने के लिए उसका पीछा करता है, जारी रखता है लेकिन वो बार जाकिर खा जाता है। विजय अपनी माँ पद्मा को बताता है कि वो केवल शिवानी से ही शादी करेगा। जब वे शादी के लिए शिवानी के परिवार से संपर्क करते हैं तो वो देखते हैं कि शिवानी पहले से ही एक इंडिया एंड आइडल अशोक चोपड़ा से शादी कर रही है। विजय टूटा हुआ हैरान हो जाता है और जबकि शिवानी और अशोक अपने शादी के तुरंत बाद पोस्ट हो जाते हैं और अमेरिका चले जाते हैं। 4 साल बाद विजय शिवानी को नहीं भूल पाया और उसके माँ द्वारा लगाए गए सभी शादी के प्रस्तावों को ठुकरा दिया। शिवानी और अशोक की एक बेटी शिविंकी शिवानी के इकाई परिवारिक के रूप में अपने
नौकरी दौड़ा की है और मानसिक रूप से शारीरिक रूप से विकलांगी के लिए एक अस्पताल में स्वेच्छा से काम करना शुरू कर देता है। विजय शिवानी के अजीब आदे हैं, उम्मीद में अशोक से दोस्ती करता है। वो अपनी खुद को एयरलाइंस शुरू करने की योजना बना रहे हैं, जहां वो अशोक को उच्च वेतन वाले महाप्रबंधक के रूप में अशोक शिवानी पर विश्वास नहीं करते हैं और उसे विजय को असली चेहरे के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। विजय शिवानी और अशोक के एक नई कंपनी का घर देता है, जिसमें जॉन के बाद शिवानी को पता चलता है कि वो गर्भवती है। वो अपने पति के साथ खबर साझा करती हैं, लेकिन विजय ये कहते हुए बीच में आता है कि उसने शिवानी के स्वामित्व के लिए एयरलाइंस के यूरोपियन के लिए इस्तेमाल किए हैं। जब शिवानी उनकी दोस्ती हो जाती है तो फिर दूसरे ही के कशिश अपनी नौकरी में घर को छोड़ दिया है और वो इसके बजाय परिवार का समर्थन करने के लिए काम करेंगे। अपमानित और क्रोधित अशोक ने शिवानी को थप्पड़ मारा और उसे स्वीकार कर दिया और जो अपने बड़े छिपतावे के लिए घर छोड़ देते हैं। विजय ने दिया कि वो कुपकरण के है और अशोक को बुरी तरह से पीटता है। जब वो अस्पताल में भर्ती होती है, विजय शिवानी को मौजूदगी में अपनी असंजिक मार्क्स हटा देता है, इसकी मदद हो जाती है। वो पुलिस को समझने की कोशिश करता है, जो अशोक की मौत के लिए विजय जिम्मेदार था। हालांकि विजय अपने दोस्त बावजूद उसके वो उसे छोड़ दे। इस दौरान वो शिवानी के मिलने जाता है और उसे कहा जाता है कि वो उसे प्यार करती है। जैसे ही वो मना करती है, वो उसकी भरपाई करता है, उसे उसकी हत्या के प्रयास के लिए याद करता है। उसे 3 साल जेल नहीं गई क्योंकि वो अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सकी। पिंकी की पश्चिम और मोहनलाल के देखभाल में रखा गया है। मोहनलाल अपनी पत्नी के साथ व्यवहार करता है, पिंकी को बोझ करता है। शिवानी अपने सेलमेट निशान से मिलती है, जिस पर दहेज के एक मामले में गलत तरीके से हत्या का आरोप लगाया गया था। वे एक पूर्व जेल वार्डन के निगरानी में जेल में अपना दर्द साझा करते हैं, जो जेल की कैदियों को रात में राजनीतिक नेताओं के लिए बेसाबिकी के लिए मजबूर करता था। जेल में भागने की कोशिश में वो अपनी जेल प्रहरी को क्रूरता की शिकायत करते हैं, लेकिन उसकी दलील को मनोरंजन नजरअंदाज कर दिया जाता है। उसके बजाय इंस्पेक्टर अर्जुन ने वार्डन को बताया कि शिवानी ने ही उसकी अवैध गतिविधियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। मोहनलाल पश्चिम को पिंकी को छोड़ने के लिए मजबूर करता है, लेकिन वो मना कर देती है। आवाज जवाब में उसने पश्चिम और पिंकी दोनों को बाहर कर दिया। जवाब गलती से शिवानी को बाहर और बेटी पर अपनी कार चलाकर उन्हें मार डालता है। शिवानी को उनकी मौत के बारे में पता चलता है, उन्हें पता चलता है कि विजय ने वही उन्हें मारा है। जब वो उनके परिवार का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जाने की फैसला करता है, इस दिन रात के लिए एक कैसे को लेने के लिए राजनेताओं की यात्रा के दौरान शिवानी उल्टी कर देती है। जब जेल प्रहरी को पता चलता है कि शिवानी ने शिकायत की, तो वो उसे बुरी तरह से पीटता है और उसे एक अवैध अलगाव कक्ष में फेंक देती है, जिससे उसका गर्भपात हो जाता है। उसे सभी प्रियजनों के निधन के साथ शिवानी दुनिया के लिए स्वतंत्र थी। जब जिन्हें उसका एकमात्र मकसद उन सभी लोगों से बदलाव लेना था, उन्होंने उनके साथ गलत किया था। जब वो जेल में रात भर पूजा कार्यक्रम की योजना बनाकर जेल वो चुपके से भाग जाती है और जेल वार्डन की फांसी के फंदे पर चीख कर मार देती है और उसे लटका देती है। जैसे सबूत नहीं है और एक मजबूत बहाना थे, शिवानी को उसके लिए दोषी नहीं ठहराया था। 3 साल बाद शिवानी जेल से रिहा होता है। पहले उससे उसने मोहनलाल की रुपये के नोटिस की मिलाकर उसके वहाँ से महत्वपूर्ण बात्रा में मांस बजाकर मार डाला। इंस्पेक्टर अर्जुन को हत्या के लिए शिवानी पर शक थे। जब शिवानी अपने बेटी की कब्र पर विलाप कर रही थी, इंस्पेक्टर अर्जुन उसे रोकने के लिए सीधे उसकी कब्र पर कदम रखा है। जब वो रिछा करता है तो खलिहाल ने उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास करता है, लेकिन शिवानी उस पर हावी हो जाते और खलिहान ने आग लगा दी, जिसमें वो मार जाता है। शिवानी विजय के घर जाती है, लेकिन वो उसे चलता है पता चलता है विजय अपनी उसकी माँ के 2 साल पहले वहाँ से चले गए। वो उस अस्पताल में विकलांगों के सेवा करने के लिए अपना जीवन समर्पित करने का फैसला करती है, जहाँ वो स्वेच्छा से काम करती है। वहाँ के डॉक्टर ने सुझाव दिया कि वो टीक अपने नए अस्पताल में रहें। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो देवपाता के सेनेटोरियम विजय की मां ने बताया था कि शिवानी ने विजय की दुखाग्रस्त अवस्था में गवाह को पाया। कार दुर्घटना के कारण चलने की क्षमता खो दे रही है, जिसमें शिवानी को बहन और बेटी के मौत की हो गई। वो उसके पूर्वा
बंदोबस्त के लिए स्वेच्छा के काम करते। शिवानी के प्यार में अध्ययन से विजय ठीक हो जाता है। विजय शिवानी के साथ बार फिर से उसके प्यार में पड़ जाते हैं। शादी के करने लिए कहते हैं क्योंकि उसके पास जीवन में कई अन्य विकल्प नहीं है। चाकू मारने से पहले शिवानी ने उसे आगे लगा दिया। वो कबूल करती है कि उसे एक उद्देश्य के लिए स्वास्थ्य के लिए नष्ट किया, उसे मारने के लिए, क्योंकि वो एक अक्षय व्यक्ति और मर माना पाप हो जाता है, खुद को बचाव नहीं कर सकता। अपने तपाई में वे शिवानी के पैर पर विजय के साथ एक चट्टान में लपटने हुए समाप्त हो जाते हैं। विजय का कहना है कि अगर उसकी मौत हो जाती है तो वो शिवानी को अपने साथ जो ले जाएगा। ये तय करते हुए कि विजय के लिए उसके सीने से ज़्यादा जरूरी मरना है, शिवानी जाने देता है, जिससे दोनों की मौत हो जाती है। लालना शिवानी चोपड़ा के रूप में माधुरी दीक्षित, विजय अग्निहोत्री के रूप में शाहरुख खान, सुधा चंद्रन पंत सिंह शिवानी के बहन और मोहनलाल की पत्नी के रूप में तीनू आनंद, मोहनलाल शिवानी के बहनोई के पत्नी के रूप में चंदा चमेली के रूप में जॉनी लीवर, फिल्मति पद्मा अग्निहोत्री के विजय की माँ के रूप में बीना बनर्जी, बीना पूरी शिवानी के दोस्त और जेल में आत्मविश्वासी किरण कुमार, इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह के रूप में दीपक तिजोरी, अशोक चोपड़ा शिवानी के रूप में नीतीश भूमिका, कल्पना जेल मदन के रूप में नीतीश हिंदू, नीतीश बनी पिंकी चोपड़ा अशोक के शिवानी की पत्नी के रूप में। विजय अग्निहोत्री एक अमीर विरल आदमी है जो मुंबई शहर में अपनी माँ के साथ रहता है। अपनी माँ के ऐसी उसे कुछ सब कुछ और उससे अधिक की अनुमति देती है जो वो चाहता है। वो एक दिन दुर्घटना विजय शिवानी चोपड़ा नाम के एक चीज के प्यार पहुँचते हैं, कमजोर होता है। वो तुरंत शिवानी के प्यार में पड़ जाता है। वो अपनी माँ के अपने प्यार के बारे में बताता है और उसकी माँ उसकी शादी करने के लिए सहमत हो जाती है। वहाँ शिवानी के घर जाने के रास्ते में उन्हें एक बुरा झटका लगता है क्योंकि शिवानी ने एक एयरलाइंस पायलट अशोक चोपड़ा से शादी करने की, विजय इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में असमर्थ हो जाती है। शिवानी को उसके शादी करने के लिए मनाता रहता है। जब शिवानी को परिवार को भी नष्ट कर देता है तो उसे जेल भेज दिया जाता है। जब शिवानी जेल से छूटती है तो वो विजय से बदला लेने और उसके प्यार सारे पापों का सिवा हिसाब लेने के लिए योजना बनाते हैं। अंजाम डर के 5 महीने बाद रिलीज हुई। अंजाम के साथ शाहरुख खान ने डर में एक एंटी हीरो की भूमिका निभाई, जहां वो जूही चावला द्वारा निभाई गई। किरण के किरदार से जुनूनी रूप से प्यार करते हैं। वो जासी राजेश रस्ता धोखा देता है, हत्या करता है और अपहरण कर लेता है और किरण के जीवन पर लगभग नियंत्रण कर लेता है। इसमें पहले कि इसके मंगेतर सनी देओल ने उसे मौत के घाट उतार दिया। खान द्वारा लिखे फिल्म में निभाए गए चरित्रों के साथ असहाय प्रेम और अर्जुन की भावना जुड़ी हुई थी और अधिकांश इस शख्स उसने जुड़े थे और उन्होंने संजीवल की तुलना में उनके लिए अधिक उत्साह बढ़ाया। भले ही वो सब कुछ बुरा करता है, वो किसी भी तरह से फिल्म का खलनायक नहीं था। वो एक नायक विरोधी अधिक था और वो कर रहा था जो वो अपने सपनों को लड़की के अपना बनाने के लिए कर रहा था। उनका विशेष उपस्थिति में ये फिल्म बार बार था जब दीक्षित और खान को एक साथ जोड़ा गया था। समीर द्वारा लिखे गए गीत के साथ फिल्म का संगीत आनंद मिलन द्वारा रचित था। ये फिल्म एक ऐसी महिला के बारे में है जो अपने यौनी प्रेमी का खामियाज भुगत रही है। ये महिलाओं पर होने वाली अत्याचार पर भी केंद्रित है। ये चोपड़ा डर के अपने प्रदर्शन के लिए पिछले वर्ष पुरस्कार जीतने के लिए रहते हैं। 40वें फिल्मफेयर पुरस्कार में अंजाम में अपने प्रदर्शन के लिए खान को सर्वश्रेष्ठ सहनायक का पुरस्कार जीता। इसके अलावा फिल्म के दीक्षित को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए अपना 7वां नामांकन भी गया, लेकिन इसके वजह उन्होंने हम आपके है कौन के लिए पुरस्कार जीता। खान के अपने पैना हेड चिल्स एंटरटेनमेंट के तहत इस फिल्म के अधिकार खरीदते हैं। शिवानी हितोचवा एयर इंडियन के एयर होस्टेस हैं। वे अपने बहुत लक्ष्मी और अपने जीजा मोहनलाल के साथ रहे हैं जो एक शराबी है और घोड़े को दौड़ पर मिलने वाले सभी पैसे दांव पर लग रहे हैं। शिवानी को मुलाकात एक धनी उद्योग विजय अग्निहोत्री से होती है जो तुरंत उसके साथ मुग्ध हो जाते हैं और लेकिन वो उससे कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं। विजय अपने पारंपरिक उद्योगों के मालिक है। वो अपने ऊंचे के शिवानी मंडल लाने को कोशिश करता है लेकिन वो इसे मानते हैं कि वह नहीं है। वो उसका प्रेमी बनने के लिए उसका पीछा करता है, जारी रखता है, लेकिन वो बार जो कि जाकिर खा जाता है। विजय अपनी माँ पद्मा को बताता है कि वो केवल
शिवानी से ही शादी करेगा। जब वे शादी के लिए शिवानी के परिवार से संपर्क करते हैं तो वो देखते हैं कि शिवानी पहले से ही एक इंडिया एंड आइडल अशोक चोपड़ा से शादी कर रहे हैं। विजय टूटा हुआ हैरान हो जाता है, और जबकि शिवानी और अशोक अपने शादी के तुरंत बाद पोस्ट हो जाते हैं और अमेरिका चले जाते हैं। 4 साल बाद विजय शिवानी को नहीं भूल पाया और उसके माँ द्वारा लगाए गए सभी शादी के प्रस्तावों को ठुकरा दिया। शिवानी और अशोक की एक बेटी सिद्धि की शिवानी के जी इकाई परिवर्तक के रूप में अपनी नौकरी दौड़ा की है और मानसिक रूप से शारीरिक रूप से विकलांगी के लिए एक अस्पताल में स्वेच्छा से काम करना शुरू कर देता है। विजय शिवानी के करीब आते हैं, उम्मीद में अशोक से दोस्ती करता है। वो अपनी खुद को एयरलाइंस शुरू करने की योजना बना रहे हैं, जहाँ वो अशोक को उच्च वेतन वाले महाप्रबंधक के रूप में अशोक शिवानी पर विश्वास नहीं करते हैं और उसे विजय को असली चेहरे के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। विजय शिवानी और अशोक के एक नई कंपनी का घर देता है, जिसमें जॉन के बाद शिवानी को पता चलता है कि वो गर्भवती है। वो अपने पति के साथ खबर साझा करते हैं, लेकिन विजय ये कहते हुए बीच में आता है कि उसने शिवानी के स्वामित्व के लिए एयरलाइंस के विज्ञापन के लिए इस्तेमाल किए हैं। जब शिवानी उनकी दोस्ती हो जाती है तो फिर दूसरे ने कैसी अपनी नौकरी ने घर को छोड़ दिया है और वो इसके बजाय परिवार का समर्थन करने के लिए काम करेंगे। अपमानित और क्रोधित अशोक ने शिवानी को थप्पड़ मारा और उसे स्वीकार कर दिया, और जो अपने बड़े छत्तावे के लिए घर छोड़ देते हैं। विजय ने दिया कि वो प्रकरण के है और अशोक को बुरी तरह से पीटता है। जब वो अस्पताल में भर्ती होती है, विजय शिवानी को मौजूदगी में अपनी असंजित मार्क्स हटा देता है, इसकी मदद हो जाती है। वो पुलिस को समझने की कोशिश करता है, जो अशोक की मौत के लिए विजय जिम्मेदार था। हालांकि विजय अपने दोस्त बावजूद उसके वो उसे छोड़ दे। इस दौरान वो शिवानी के मिलने जाता है और उसे कहा जाता है कि वो उसे प्यार करती। जैसे ही वो मना करते वो उसकी विफल करता है, उसे उसकी हत्या के प्रयास के लिए बुरियात करता है। उसे 3 साल जेल भेजाई गई क्योंकि वो अपने बेगुनाही साबित नहीं कर सकी। पिंकी की पश्चिम और मोहनलाल की देखभाल में रखा गया है। मोहनलाल अपनी पत्नी के साथ व्यवहार करता है, पिंकी को बोझ करता है। शिवानी अपने सेलमेट निशा से मिलती है, जिस पर दहेज के एक मामले में गलत तरीके से हत्या का आरोप लगाया गया था। वे एक पूर्व जेल वार्डन के निगरानी में जेल में अपना दर्द साझा करते हैं, जो जेल की कैदियों को रात में राजनीतिक नेताओं के लिए बेसब्री के लिए मजबूर करता था। जेल में भागने की कोशिश में वो अपने जेल प्रहरी को क्रूरता की शिकायत करते हैं, लेकिन उसकी दलील को मनोरंजन नजरअंदाज कर दिया जाता है। उसके बजाय इंस्पेक्टर अर्जुन ने वार्डन को बताया कि शिवानी ने भी उसकी अवैध गतिविधियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। मोहनलाल पश्चिम को पिंकी को छोड़ने के लिए मजबूर करता है, लेकिन वो मना कर देती हैं। आवाज़ जवाब में उसने पश्चिम और पिंकी दोनों को बाहर कर दिया। जवाब गलती से शिवानी को बाहर और बेटी पर अपनी कार चलाकर उन्हें मार डालता है। शिवानी को उनकी मौत के बारे में पता चलता है, उन्हें पता चलता है कि विजय ने ही उन्हें मारा है। जब वो उनके परिवार का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जाने की फैसला करता है, उस दिन रात के लिए एक कैसे को लेने के लिए राजनेताओं की यात्रा के दौरान शिवानी उल्टी कर देती है। जब जेल प्रहरी को पता चलता है कि शिवानी ने शिकायत की तो वो उसे बुरी तरह से पीटता है और उसे एक अवैध अलगाव कक्ष में फेंक देती है, जिससे उसका गर्भपात हो जाता है। उसे सभी प्रियजनों के निधन के साथ शिवानी दुनिया के लिए स्वतंत्र थी। जब जीने उसका एकमात्र मकसद उन सभी लोगों से बदलाव लेना था, उन्होंने उनके साथ गलत किया था। जब वो जेल में रात भर पूजा कार्यक्रम की योजना बनाकर जेल वो चुपके से भाग जाती है और जेल वार्डन की फांसी के फंदे पर चीख कर मार देती है, उसे लटका देती है। जैसा सबूत नहीं और एक मजबूत बहाना थे, शिवानी को उसके लिए दोषी नहीं ठहराया था है। 3 साल बाद शिवानी जेल से रिहा होता है। पहले उसने मोहनलाल के रुपए के नोटिस की मिलाकर उसके वहाँ से महत्वपूर्ण बात्रा में मास्क बजाकर मार डाला। इंस्पेक्टर अर्जुन को हत्या के लिए शिवानी पर शक थे। जब शिवानी अपनी बेटी की कब्र पर विलाप कर रही थी, इंस्पेक्टर अर्जुन उसे रोकने के लिए सीधे उसकी कब्र पर कदम रखा है। जब वो रिछा करता है तो खलिहाल ने उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास करता है, लेकिन शिवानी उस पर हावी हो जाते और खलिहान में आग लगा दी, जिसमें वो मार जाता है।
शिवानी विजय के घर जाती है, लेकिन वो उसे चलता है पता चलता है विजय अपनी उसकी माँ के 2 साल पहले वहाँ से चले गए। वो उस अस्पताल में विकलांगों की सेवा करने के लिए अपना जीवन समर्पित करने का फैसला करते हैं, जहाँ वो स्वेच्छा से काम करते हैं। वहाँ के डॉक्टर ने उन्हें सुझाव दिया कि वो ठीक के अपने नए अस्पताल में रहें। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो बात ही देहपाता के सेनेटोरियम विजय की माँ ने बताया था कि शिवानी ने विजय की रखाग्रस्त अवस्था में गर्भगृह के पाया कार दुर्घटना के कारण चलने की क्षमता खो दे रही है, जिसमें शिवानी को बहन और बेटी के मौत की हो गई। वो उसके पूर्वाभास के लिए स्वेच्छा के काम करते। शिवानी के प्यार में अध्ययन से विजय ठीक हो जाता है। विजय शिवानी के साथ बार फिर से उसके प्यार में पड़ जाते हैं। शादी के करने के लिए कहते हैं क्योंकि उसके पास जीवन में कई अन्य विकल्प नहीं है। चाकू मारने से पहले शिवानी ने उसे आगे लगा दिया। वो कबूल करती है कि उसे एक उद्देश्य के लिए स्वास्थ्य के लिए नर्स किया, उसे मारने के लिए, क्योंकि वो एक अक्षय व्यक्ति और मर माना पाप हो जाता है, खुद को बचाव नहीं कर सकता। अपने हतपाई में वे शिवानी के पैर पर विजय के साथ एक चट्टान में लपटने हुए समाप्त हो जाते हैं। विजय का कहना है कि अगर उसकी मौत हो जाती है तो वो शिवानी को अपने साथ जो ले जाएगा। ये तय करते हैं कि विजय के लिए उसके सीने से ज्यादा जरूरी मरना है। शिवानी जाने देता है जिससे दोनों की मौत हो जाती है। लालना शिवानी चोपड़ा के रूप में माधुरी दीक्षित, विजय अग्निहोत्री के रूप में शाहरुख खान, सुधा चंद्रन पंडित सिंह शिवानी के बहन और मोहनलाल की पत्नी के रूप में तीनू आनंद, मोहनलाल शिवानी के बहनोई के प्रियर के रूप में चंदा, सुनेली के रूप में जॉनी लीवर, प्रेमवती पद्मा अग्निहोत्री के विजय की माँ के रूप में बीना बनर्जी, बीना शिवानी के दोस्त और जेल में आत्मविश्वासी किरण कुमार, इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह के रूप में दीपक तिजोरी, अशोक चोपड़ा शिवानी के रूप में नीतीश, भूमिका कल्पना जेल वार्डन के रूप में नीतीश, हिंदू मंत्री बनने पिंकी चोपड़ा, अशोक के शिवानी की पत्नी के रूप में विजय अग्निहोत्री एक अमीर बिगड़ेल आदमी है जो मुंबई शहर में अपनी माँ के साथ रहता है। अपनी माँ के असी उसे कुछ सब कुछ और उससे अधिक की अनुमति देती है जो वो चाहता है। वो एक दिन दुर्घटना में विजय शिवानी चोपड़ा नाम के एक नर्स के प्यार पहुंचते हैं, कमजोर होता है। वो तुरंत शिवानी के प्यार में पड़ जाता है। वो अपनी माँ के अपने प्यार के बारे में बताता है और उसकी माँ उसकी शादी करने के लिए सहमत हो जाती है। वहाँ शिवानी के घर जाने के रास्ते में उन्हें एक बुरा झटका लगता है क्योंकि शिवानी ने एक एयरलाइंस पायलट अशोक चोपड़ा से शादी करनी थी। विजय इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में असमर्थ हो जाती है। शिवानी को उसके शादी करने के लिए मनाता रहता है। जब शिवानी को परिवार के भी नष्ट कर देता है तो उसे जेल भेज दिया जाता है। जब शिवानी जेल से छूटती है तो वो विजय से बदला लेने और उसके प्यार सारे पापों का सीधा हिसाब लेने के लिए योजना बनाते हैं। अंजाम डर के 5 महीने बाद रिलीज हुई। अंजाम के साथ शाहरुख खान ने डर में एक एंटी हीरो की भूमिका निभाई, जहां वो जूही चावला द्वारा निभाई गई। किरण के किरदार से जुनूनी रूप से प्यार करते हैं। वो जासी हरीश रास्ता धोखा देता है, हत्या करता है और अपहरण कर लेता है और किरण के जीवन पर लगभग नियंत्रण कर लेता है। इसमें पहले कि इसके मंगेतर सनी देओल ने उसे मौत के घाट उतार दिया, खान द्वारा लिखे फिल्म में निभाए गए चरित्र के साथ असहाय प्रेम और जुनून की भावना जुड़ी हुई थी और अधिकांश इसक उसने जुड़े थे और उन्होंने सनी देओल की तुलना में उनके लिए अधिक उत्साह बढ़ाया। भले ही वो सब कुछ बुरा करता है, वो किसी भी तरह से फिल्म का खलनायक नहीं था। वो एक नायक विरोधी अधिक था और वो कर रहा था जो वो अपने सपनों को लड़की के अपना बनाने के लिए कर रहा था। विशेष उपस्थिति में यह फिल्म बार बार था जब दीक्षित और खान को एक साथ जोड़ा गया था। समीर द्वारा लिखे गए गीत के साथ फिल्म का संगीत आनंद मिलन द्वारा रचित था। यह फिल्म एक ऐसी महिला के बारे में है जो अपने जुनूनी प्रेमी का खामियाज भुगत रही है। यह महिलाओं पर होने वाली अत्याचार पर भी केंद्रित है। यश चोपड़ा डर के अपने प्रदर्शन के लिए पिछले वर्ष पुरस्कार जीतने के लिए रहते हैं। 40वें फिल्मफेयर पुरस्कार में अंजाम में अपने प्रदर्शन के लिए खान को सर्वश्रेष्ठ सहनायक का पुरस्कार जीता। इसके अलावा फिल्म के दीक्षित को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए अपना 7वां नामांकन भी गया, लेकिन इसके वजह उन्होंने हम आपके है कौन के लिए पुरस्कार जीता। खान के अपने पैना रेड चिली एंटरटेनमेंट के तहत इस फिल्म के अधिकार खरीदते हैं। शिवानी हिंदोचपा एयर इंडियन के एयर होस्टेस हैं। वे अपने बहुत पश्चिमी और अपने जीजा मोहनलाल के साथ रहे हैं जो एक शराबी है और घोड़े को दौर पर मिलने वाले सभी पैसे दांव पर लग रहे हैं। शिवानी को मुलाकात एक
धनी उद्योग विजय मल्होत्री से होती है, जो तुरंत उसके साथ मुग्ध हो जाते हैं, और लेकिन वो उससे कहीं दिलचस्पी नहीं दिखाता। विजय अपने पारंपरिक उद्योगों के मालिक है। वो अपने नीचे के शिवाली मंडल लाने को कोशिश करता है, लेकिन वो इसे मानते हैं कि वह नहीं है। वो उसका प्रेमी बनने के लिए उसका पीछा करता है, जारी रखता है, लेकिन वो बार जो जाकिर खा जाता है। विजय अपनी माँ पद्मा को बताता है कि वो केवल शिवानी से ही शादी करेगा। जब वे शादी के लिए शिवानी के परिवार से संपर्क करते हैं तो वो देखते हैं कि शिवानी पहले से ही एक इंडिया एंड आइडल अशोक चोपड़ा से शादी कर रही है। विजय टूटा हुआ हैरान हो जाता है, और जबकि शिवानी और अशोक अपने शादी के तुरंत बाद पोस्ट हो जाते हैं और अमेरिका चले जाते हैं। 4 साल बाद विजय शिवानी को नहीं भूल पाया और उसके माँ द्वारा लगाए गए सभी शादी के प्रस्तावों को ठुकरा दिया। शिवानी और अशोक की एक बेटी सिविंकी शिवानी के जी इकाई परिवर्तक के रूप में अपनी नौकरी दोहरा की है, और मानसिक रूप से शारीरिक रूप से विकलांगी के लिए एक अस्पताल में स्वेच्छा से काम करना शुरू कर देता है। विजय शिवानी के अरीब आने हैं, उम्मीद में अशोक से दोस्ती करता है। वो अपनी खुद को एयरलाइंस शुरू करने की योजना बना रहे हैं, जहाँ वो अशोक को उच्च वेतन वाले महाप्रबंधक के रूप में अशोक शिवानी पर विश्वास नहीं करते हैं और उसे विजय को असली चेहरे के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। विजय शिवानी और अशोक के एक नई कंपनी का घर देता है, जिसमें जॉन के बाद शिवानी को पता चलता है कि वो गर्भवती है। वो अपने पति के साथ खबर साझा करते हैं, लेकिन विजय ये कहते हुए बीच में आता है कि उसने शिवानी के स्वामित्व के लिए एयरलाइंस के विज्ञापन के लिए इस्तेमाल किए हैं। जब शिवानी उनकी दोस्ती हो जाती है तो फिर दूसरे ही के कशिश अपनी नौकरी नए घर को छोड़ दिया है और वो इसके विजय परिवार का समर्थन करने के लिए काम करेंगे। अपमानित और क्रोधित अशोक ने शिवानी को थप्पड़ मारा और उसे स्वीकार कर दिया, और जो अपने बड़े छतावे के लिए घर छोड़ देते हैं। विजय ने दिया कि वो कुपकरण के है और अशोक को बुरी तरह से पीटता है। जब वो अस्पताल में भर्ती होती है, विजय शिवानी को मौजूदगी में अपनी असंजित मार्क्स हटा देता है, उसकी मदद हो जाती है। वो पुलिस को समझने की कोशिश करता है, जो अशोक की मौत के लिए विजय जिम्मेदार था। हालांकि विजय अपने दोस्त बावजूद उसके वो उसे छोड़ दे। इस दौरान वो शिवानी के मिलने जाता है और उसे कहा जाता है कि वो उसे प्यार करती। जैसे ही वो मना करते हैं, वो उसकी विफल करता है, उसे उसकी हत्या के प्रयास के लिए फरियाद करता है। उसे 3 साल जेल नहीं गई क्योंकि वो अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सकी। पिंकी की पश्चिम और मोहनलाल के देखभाल में रखा गया है। मोहनलाल अपनी पत्नी के साथ व्यवहार करता है, पिंकी को बोझ करता है। शिवानी अपने सेलमेट निशा से मिलती है, जिस पर दहेज के एक मामले में गलत तरीके से हत्या का आरोप लगाया गया था। वे एक पूर्व जेल वार्डन के निगरानी में जेल में अपना दर्द साझा करते हैं, जो जेल के कैदियों को रात में राजनीतिक नेताओं के लिए बेसब्री के लिए मजबूर करता था। जेल में भागने की कोशिश में वो अपनी जेल प्रहरी की क्रूरता की शिकायत करते हैं, लेकिन उसकी दलील को मनोरंजन नजरअंदाज कर दिया जाता है। उसके बजाय इंस्पेक्टर अर्जुन ने वार्डन को बताया कि शिवानी ने ही उसकी अवैध गतिविधि के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। मोहनलाल पश्चिम को पिंकी को छोड़ने के लिए मजबूर करता है, लेकिन वो मना कर देती है। आवाज जवाब में उसने पश्चिम और पिंकी दोनों को बाहर कर दिया। जवाब गलती से शिवानी को बाहर और बेटी पर अपनी कार चलाकर उन्हें मार डालता है। शिवानी को उनकी मौत के बारे में पता चलता है, उन्हें पता चलता है कि विजय ने उन्हें मारा है। जब वो उनके परिवार का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जाने का फैसला करता है, उस दिन रात के लिए एक कैसे को लेने के लिए राजनेताओं की यात्रा के दौरान शिवानी उल्टी कर देती है। जब जेल प्रहरी को पता चलता है कि शिवानी ने शिकायत की, तो वो उसे बुरी तरह से पीटता है और उसे एक अवैध अलगाव कक्ष में फेंक देती है, जिससे उसका गर्भपात हो जाता है। उसे सभी प्रियजनों के निधन के साथ शिवानी दुनिया के लिए स्वतंत्र थी। जब जीने उसका एकमात्र मकसद उन सभी लोगों से बदलाव लेना था, उन्होंने उनके साथ गलत किया था। जब वो जेल में रात भर पूजा कार्यक्रम की योजना बनाकर जेल वो चुपके से भाग जाती है और जेल वार्डन की फांसी के फंदे पर चीख कर मार देती है और उसे लटका देती है, जैसा सबूत नहीं है और एक मजबूत बहाना थे। शिवानी को उसके लिए दोषी नहीं ठहराया है। 3 साल बाद शिवानी जेल से रिहा होता है। पहले उसने मोहनलाल की रुपए के नोटिस की मिलाकर उसके वहाँ से महत्वपूर्ण
बात्रा में मास्क बजाकर मार डाला। इंस्पेक्टर अर्जुन को हत्या के लिए शिवानी पर शौक थे। जब शिवानी अपनी बेटी की कब्र पर विलाप कर रही थी, इंस्पेक्टर अर्जुन उसे रोकने के लिए सीधे उसकी कब्र पर कदम रखा है। जब वो रिछा करता है तो खलिहाल ने उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास करता है, लेकिन शिवानी उस पर हावी हो जाते और खलिहान ने आग लगा दी जिसमें वो मार जाता है। शिवानी विजय के घर जाती है, लेकिन वो उसे चलता है पता चलता है विजय अपनी उसकी माँ के 2 साल पहले वहाँ से चले गए। वो उस अस्पताल में विकलांगों के सेवा करने के लिए अपना जीवन समर्पित करने का फैसला करती है, जहाँ वो स्वेच्छा से काम करती है। वहाँ के डॉक्टर ने सुझाव दिया कि वो टिकाऊ के अपने नए अस्पताल में रहें। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो देहपाता के सेनेटोरियम विजय की मां ने बताया था कि शिवानी ने विजय की लिखाग्रस्त अवस्था में गर्भगृह को पाया। कार दुर्घटना के कारण चलने की क्षमता खो दे रही है, जिसमें शिवानी को बहन और बेटी के मौत की हो गई। वो उसके पुनर्वास के लिए स्वेच्छा के काम करते। शिवानी के प्यार में अध्ययन से विजय ठीक हो जाता है। विजय शिवानी के साथ बार फिर से उसके प्यार में पड़ जाते हैं। शादी के करने लिए कहते हैं क्योंकि उसके पास जीवन में कई अन्य विकल्प नहीं है। चाकू मारने से पहले शिवानी ने उसे आगे लगा दिया। वो कबूल करते हैं कि उसे एक उद्देश्य के लिए स्वास्थ्य के लिए नर्स किया उसे मारने के लिए, क्योंकि वो एक अक्षय व्यक्ति और मरे माना पाप हो जाता है, खुद को बचाव नहीं कर सकता। अपने हतपाई में वे शिवानी के पैर पर विजय के साथ एक चट्टान में लपटने हुए समाप्त हो जाती है। विजय का कहना है कि अगर उसकी मौत हो जाती है तो वो शिवानी को अपने साथ जो ले जाएगा। ये तय करते हुए कि विजय के लिए उसके सीने से पैदा जरूरी मरना है, शिवानी जाने देता है, जिससे दोनों की मौत हो जाती है। लालना शिवानी चोपड़ा के रूप में माधुरी दीक्षित, विजय अग्निहोत्री के रूप में शाहरुख खान, सुधा चंद्रन पंत सिंह शिवानी के बहन और मोहनलाल की पत्नी के रूप में तीनु आनंद, मोहनलाल शिवानी के बहनोई के पत्नी के रूप में चंदा, चुनेली के रूप में जॉनी लीवर, प्रेमती पद्मा अग्निहोत्री के विजय की माँ के रूप में बीना बनर्जी, बीना पूरी शिवानी के दोस्त और जेल में आत्मविश्वासी किरण कुमार, इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह के रूप में दीपक तिजोरी, अशोक चोपड़ा शिवानी के रूप में नीतीश, भूमिका कल्पना जेल वार्डन के रूप में नीतीश, हिंदू नीतीश बने, पिंकी चोपड़ा अशोक के शिवानी की पत्नी के रूप में, विजय अग्निहोत्री एक अमीर बिगड़ेल आदमी है जो मुंबई शहर में अपनी माँ के साथ रहता, अपनी माँ के असी उसे कुछ सब कुछ और उससे अधिक की अनुमति देती है जो वो चाहता है। वो एक दिन दुर्घटना में विजय शिवानी चोपड़ा नाम के एक रिलेशन के प्यार पहुँचते हैं, कमजोर होता है, वो तुरंत शिवानी के प्यार में पड़ जाता है। वो अपनी माँ के अपने प्यार के बारे में बताता है और उसकी माँ उसकी शादी करने के लिए सहमत हो जाती है। वहाँ शिवानी के घर जाने के रास्ते में उन्हें एक बुरा झटका लगता है, क्योंकि शिवानी ने एक एयरलाइंस पायलट अशोक चोपड़ा से शादी करनी थी। विजय इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में असमर्थ हो जाते हैं, शिवानी को उसके शादी करने के लिए मनाता रहता है। जब शिवानी को परिवार को भी नष्ट कर देता है तो उसे जेल भेज दिया जाता है। जब शिवानी जेल से छूटती है तो वो विजय से बदला लेने और उसके प्यार सारे पापों का सिवा हिसाब लेने के लिए योजना बनाते हैं। अंजाम डर के 5 महीने बाद रिलीज हुई। अंजाम के साथ शाहरुख खान ने डर में एक एंटी हीरो की भूमिका निभाई, जहां वो दिल चावला द्वारा निभाए गए किरण के किरदार से जुनूनी रूप से प्यार करते हैं। वो जासी हरीश रस्ता धोखा देता है, हत्या करता है और अपहरण कर लेता है और किरण के जीवन पर लगभग नियंत्रण कर लेता है। इसमें पहले कि उसके मंगेतर सनी देओल ने उसे मौत के घाट उतार दिया, खान द्वारा लिखे फिल्म में निभाए गए चरित्र के साथ असहाय प्रेम और जुनून की भावना जुड़ी हुई थी और अधिकांश इशक उसने जुड़े थे और उन्होंने सनी देओल की तुलना में उनके लिए अधिक उत्साह बढ़ाया। भले ही वो सब कुछ बुरा करता है, वो किसी भी तरह से फिल्म का खलनायक नहीं था, वो एक नायक विरोधी अधिक था और वो कर रहा था जो वो अपने सपनों को लड़की के अपना बनाने के लिए कर रहा था। दीपिका पादुकोण की उपस्थिति में ये फिल्म बार बार जब दीक्षित और खान को एक साथ जोड़ा गया था। समीर द्वारा लिखे गए गीत के साथ फिल्म का संगीत आनंद मिलिंद द्वारा रचित था। यह फिल्म एक ऐसी महिला के बारे में है जो अपने जुनूनी प्रेमी का खामियाज भुगत रही है। यह महिलाओं पर होने वाली अत्याचार पर भी केंद्रित है। यश चोपड़ा डर के अपने प्रदर्शन के लिए पिछले वर्ष पुरस्कार जीतने के लिए प्रेरित रहते हैं के बाद 40वें फिल्मफेयर पुरस्कार में अंजाम में अपने प्रदर्शन के लिए खान को सर्वश्रेष्ठ सहनायक को पुरस्कार जीता। इसके अलावा फिल्म के दीक्षित को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए अपना 7वां नामांकन भी गया, लेकिन इसके वजह उन्होंने हम
आपके है कौन के लिए पुरस्कार जीता। खान के अपने पैना हेरिटेज चिल्ड्रन एंटरटेनमेंट के तहत इस फिल्म के अधिकार खरीदते हैं शिवानी दोचवा। एयर इंडियन के एयर होस्टेस हैं, ये अपने बहुत लक्ष्मी और अपने जीजा मोहनलाल के साथ रहने हैं जो एक शराबी है और घोड़े को दौड़ पर मिलने वाले सभी पैसे दांव पर लग रहे हैं। शिवानी को मुलाकात एक धनी उद्योग विजय अग्निहोत्री से होती है जो तुरंत उसके साथ मुग्ध हो जाते हैं और लेकिन वो उससे कई दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं। विजय अपने पारंपरिक उद्योगों के मालिक है, वो अपने नीचे के शिवानी मंडल लाने को कोशिश करता है लेकिन वो इसे मानते हैं कि वह नहीं है। वो उसका प्रेमी बनने के लिए उसका पीछा करता है, जारी रखता है लेकिन वो बार जो कि जाकिर खा जाता है। विजय अपनी माँ पद्मा को बताता है कि वो केवल शिवानी से ही शादी करेगा। जब वे शादी के लिए शिवानी के परिवार से संपर्क करते हैं तो वो देखते हैं कि शिवानी पहले से ही एक इंडिया एंड आइडल अशोक चोपड़ा से शादी कर रही है। विजय टूटा हुआ हैरान हो जाता है, जबकि शिवानी और अशोक अपने शादी के तुरंत बाद पोस्ट हो जाते हैं और अमेरिका चले जाते हैं। 4 साल बाद विजय शिवानी को नहीं भूल पाया और उसके माँ द्वारा लगाए गए सभी शादी के प्रस्तावों को ठुकरा दिया। शिवानी और अशोक की एक बेटी सिविंकी शिवानी के जी इकाई परिवर्तक के रूप में अपनी नौकरी दौड़ा की है और मानसिक रूप से शारीरिक रूप से विकलांगी के लिए एक अस्पताल में स्वेच्छा से काम करना शुरू कर देता है। विजय शिवानी के करीब आते हैं, उम्मीद में अशोक से दोस्ती करता है। वो अपनी खुद के एयरलाइंस शुरू करने की योजना बना रहे हैं जहाँ वो अशोक को उच्च वेतन वाले महाप्रबंधक के रूप में अशोक शिवानी पर विश्वास नहीं करते हैं और उसे विजय को असली चेहरे के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। विजय शिवानी और अशोक के एक नई कंपनी का घर देता है जिसमें जॉन के बाद शिवानी को पता चलता है कि वो गर्भवती है। वो अपने पति के साथ खबर साझा करती हैं लेकिन विजय ये कहते हुए बीच में आता है कि उसने शिवानी के स्वामित्व के नई एयरलाइंस के विज्ञापन के लिए इस्तेमाल किए हैं। जब शिवानी उनकी दोस्ती हो जाती है तो फिर दूसरे ही के कशिश अपनी नौकरी ने घर को छोड़ दिया है और वो इसके बजाय परिवार का समर्थन करने के लिए काम करेंगे। अपमानित और क्रोधित अशोक ने शिवानी को थप्पड़ मारा और उसे स्वीकार कर दिया और जो अपने बड़े छतावे के लिए घर छोड़ देते हैं। विजय ने दिया कि वो प्रकरण के है और अशोक को बुरी तरह से पीटता है। जब वो अस्पताल में भर्ती होती है विजय शिवानी को मौजूदगी में अपनी असंजिक मार्क्स हटा देता है जिसके उसकी मदद हो जाती है। वो पुलिस को समझने की कोशिश करता है जो अशोक की मौत के लिए विजय जिम्मेदार था। हालांकि विजय अपने दोस्त बावजूद उसके वो उसे छोड़ दे। इस दौरान वो शिवानी के मिलने जाता है और उसे कहा जाता है कि वो उसे प्यार करती है। जैसे ही वो मना करती है वो उसकी विपाय करता है, उसे उसकी हत्या के प्रयास के लिए याद करता है। उसे 3 साल जेल हो जाई गई क्योंकि वो अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सकी। पिंकी की पश्चिम और मोहनलाल के देखभाल में रखा गया है। मोहनलाल अपनी पत्नी के साथ व्यवहार करता है, पिंकी को बोझ करता है। शिवानी अपने सेलमेट निशा से मिलती है जिस पर दहेज के एक मामले में गलत तरीके से हत्या का आरोप लगाया गया था। वे एक रूट जेल वार्डन के निगरानी में जेल में अपना दर्द साझा करते हैं जो जेल के कैदियों को रात में राजनीतिक नेताओं के लिए बेसब्री के लिए मजबूर करता था। जेल में भागने की कोशिश में वो अपनी जेल प्रहरी को क्रूरता की शिकायत करते हैं लेकिन उसकी दलील को मनोरंजन नजरअंदाज कर दिया जाता है। उसके बजाय इंस्पेक्टर अर्जुन ने वार्डन को बताया कि शिवानी ने ही उसकी अवैध गतिविधियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। मोहनलाल पश्चिम को पिंकी को छोड़ने के लिए मजबूर करता है लेकिन वो मना कर देती है। आवाज़ जवाब में उसने पश्चिमी और पिंकी दोनों को बाहर कर दिया। जवाब गलती से शिवानी को बाहर और बेटी पर अपनी कार चलाकर उन्हें मार डालता है। शिवानी को उनकी मौत के बारे में पता चलता है, उन्हें पता चलता है कि विजय ने वही उन्हें मारा है। जब वो उनके परिवार का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जाने की फैसला करता है, उस दिन रात के लिए एक कैसे को लेने के लिए राजनेताओं की यात्रा के दौरान शिवानी उल्टी कर देती है। जब जेल प्रहरी को पता चलता है कि शिवानी ने शिकायत की तो वो उसे बुरी तरह से पीटता है और उसे एक अवैध अलगाव कक्ष में फेंक देती है जिससे उसका गर्भपात हो जाता है। उसे सभी प्रियजनों के निधन के साथ शिवानी दुनिया के लिए स्वतंत्र थी। जब जीने उसका एकमात्र मकसद उन सभी लोगों से बदलाव लेना था उन्होंने उनके साथ गलत किया था। जब वो जेल में रात भर पूजा कार्यक्रम की योजना बनाकर जेल वो चुपके से भाग जाती है और जेल वार्डन की फांसी के फंदे पर छींक कर मार देती है और उसे लटका देती है। जैसे
सबूत नहीं है और एक मजबूत बहाना थे। शिवानी को उसके लिए दोषी नहीं ठहराया था है। 3 साल बाद शिवानी जेल से रिहा होता है। पहले उसने मोहनलाल के रुपए के नोटिस के लगाकर उसके वहाँ से महत्वपूर्ण बात्रा में मास्क बजाकर मार डाला। इंस्पेक्टर अर्जुन को हत्या के लिए शिवानी पर शक थे। जब शिवानी अपने बेटी की कब्र पर विलाप कर रही थी, इंस्पेक्टर अर्जुन उसे रोकने के लिए सीधे उसकी कब्र पर कदम रखा है। जब वो इच्छा करता है तो खलिहाल ने उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास करता है, लेकिन शिवानी उस पर हावी हो जाते और खलिहान में आग लगा दी है, जिसमें वो मार जाता है। शिवानी विजय के घर जाती है, लेकिन वो उसे चलता है पता चलता है विजय अपनी उसकी माँ के 2 साल पहले वहाँ से चले गए। वो उस अस्पताल में विकलांगों के सेवा करने के लिए अपना जीवन समर्पित करने का फैसला करते हैं, जहाँ वो स्वेच्छा से काम करती है। वहाँ के डॉक्टर ने सुझाव दिया कि वो टिक गाँव के अपने नए अस्पताल में रहें। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो बात ही देहोपाता के सेनेटोरियम विजय की माँ ने बताया था कि शिवानी ने विजय की लक्षणग्रस्त अवस्था में गवाह के पाया कार दुर्घटना के कारण चलने की क्षमता खो दे रही है, जिसमें शिवानी को बहन और बेटी की मौत की हो गई। वो उसके पुनर्वास के लिए स्वेच्छा के काम करते। शिवानी के प्यार में अध्ययन से विजय ठीक हो जाता है। विजय शिवानी के साथ बार फिर से उसके प्यार में पड़ जाते हैं। शादी के करने लिए कहते हैं क्योंकि उसके पास जीवन में कई अन्य विकल्प नहीं है। चाकू मारने से पहले शिवानी ने उसे आगे लगा दिया। वो कबूल करती है कि उसे एक उद्देश्य के लिए स्वास्थ्य के लिए नर्स किया उसे मारने के लिए, क्योंकि वो एक अक्षय व्यक्ति और मरे माना पाप हो जाता है, खुद को बचाव नहीं कर सकता। अपने हतपाई में वे शिवानी के पैर पर विजय के साथ एक चट्टान में लपटने हुए समाप्त हो जाते हैं। विजय का कहना है कि अगर उसकी मौत हो जाती है तो वो शिवानी को अपने साथ जो ले जाएगा। ये तय करते हुए कि विजय के लिए उसके सीने से ज़्यादा जरूरी मरना है, शिवानी जाने देता है, जिससे दोनों की मौत हो जाती है। लाला शिवानी चोपड़ा के रूप में माधुरी दीक्षित, विजय अग्निहोत्री के रूप में शाहरुख खान, सुधा चंद्रन पंत सिंह शिवानी के बहन और मोहनलाल की पत्नी के रूप में तीनू आनंद, मोहनलाल शिवानी के बहनोई के पत्नियों के रूप में चंदा चमेली के रूप में जॉनी लीवर, प्रेमती पद्मा अग्निहोत्री के विजय की माँ के रूप में बीना बनर्जी, बीना पूरी शिवानी के दोस्त और जेल में आत्मविश्वासी किरण कुमार, इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह के रूप में दीपक तिजोरी, अशोक चोपड़ा शिवानी के रूप में नीतीश, भूमिका कल्पनान्या जेल वार्डन के रूप में नीतीश, हिंदू मंत्री बनने पिंकी चोपड़ा, अशोक के शिवानी की पत्नी के रूप में विजय अग्निहोत्री एक अमीर बिगड़ेल आदमी है जो मुंबई शहर में अपनी माँ के साथ रहता है। अपनी माँ के असी उसे कुछ सब कुछ और उससे अधिक की अनुमति देती है जो वो चाहता है। वो एक दिन एक दुर्घटना विजय शिवानी चोपड़ा नाम के एक रिलेटिव के प्यार पहुँचते हैं, कमजोर होता है, वो तुरंत शिवानी के प्यार में पड़ जाता है। वो अपनी माँ के अपने प्यार के बारे में बताता है और उसकी माँ उसकी शादी करने के लिए सहमत हो जाती है। वहाँ शिवानी के घर जाने के रास्ते में उन्हें एक बुरा झटका लगता है, क्योंकि शिवानी ने एक एयरलाइंस पायलट अशोक चोपड़ा से शादी करने थी। विजय इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में समर्थ हो जाती है। शिवानी को उसके शादी करने के लिए मनाता रहता है। जब शिवानी को परिवार को भी नष्ट कर देता है तो उसे जेल भेज दिया जाता है। जब शिवानी जेल से छूटती है तो वो विजय से बदला लेने और उसके प्यार सारे पापों का सिवा हिसाब लेने के लिए योजना हम बनाते हैं। अंजाम डर के 5 महीने बाद रिलीज हुई। अंजाम के साथ शाहरुख खान ने डर में एक एंटी हीरो की भूमिका निभाई, जहां वो जूही चावला द्वारा निभाए गए किरण के किरदार से जुनूनी रूप से प्यार करते हैं। वो जासूस हाजिश रचता है, धोखा देता है, हत्या करता है और अपहरण कर लेता है और किरण के जीवन पर लगभग नियंत्रण कर लेता है। इसमें पहले कि उसके मंगेतर सनी देओल ने उसे मौत के घाट उतार दिया। खान द्वारा लिखे फिल्म में निभाए गए चरित्रों के साथ असहाय प्रेम और अर्जुन की भावना जुड़ी हुई थी और अधिकांश इशक उसने जुड़े थे और उन्होंने सनी देओल की तुलना में उनके लिए अधिक उत्साह बढ़ाया। भले ही वो सब कुछ बुरा करता है, वो किसी भी तरह से फिल्म का खलनायक नहीं था। वो एक नायक विरोधी अधिक था और वो कर रहा था जो वो अपने सपनों को लड़की के अपना बनाने के लिए कर रहा था। विशेष उपस्थिति में यह फिल्म बार बार था जब दीक्षित और खान को एक साथ जोड़ा गया था। समीर द्वारा लिखे गए गीत के साथ फिल्म का संगीत आनंद मिलन द्वारा रचित था। यह फिल्म एक ऐसी महिला के बारे में है जो अपने जुनूनी प्रेमी का खामियाज भुगत रही है। यह महिलाओं पर होने वाली अत्याचार पर भी केंद्रित है।
यश चोपड़ा डर के अपने प्रदर्शन के लिए पिछले वर्ष पुरस्कार जीतने के विफल रहे थे। यह बात 40वें फिल्मफेयर पुरस्कार में अंजाम में अपने प्रदर्शन के लिए खान को सर्वश्रेष्ठ सहनायक का पुरस्कार जीता। इसके अलावा फिल्म के दीक्षित को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए अपना 7वां नामांकन भी दिया। लेकिन इसके वजह उन्होंने हम आपके है कौन के लिए पुरस्कार जीता। खान के अपने पैना रेड चिली एंटरटेनमेंट के तहत इस फिल्म के अधिकार खरीदते हैं शिवानी दोचवा। एयर इंडियन के एयर होस्टेस हैं। ये अपने बहुत पश्चिमी और अपने जीजा मोहनलाल के साथ रहने हैं जो एक शराबी है और घोड़े को दौड़ पर मिलने वाले सभी पैसे दांव पर लग रहे हैं। शिवानी को मुलाकात एक धनी उद्योग विजय अग्निहोत्री से होती है जो तुरंत उसके साथ मुग्ध हो जाते हैं और लेकिन वो उससे कई दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं। विजय अपने पारंपरिक उद्योगों के मालिक है। वो अपने नीचे के शिवानी मंडल लाने को कोशिश करते हैं लेकिन वो इसे मानते हैं कि वह नहीं है। वो उसका प्रेमी बनने के लिए उसका पीछा करता है जारी रखता है लेकिन वो बार जो कि जाकिर खा जाता है। विजय अपनी माँ पद्मा को बताता है कि वो केवल शिवानी से ही शादी करेगा। जब वे शादी के लिए शिवानी के परिवार से संपर्क करते हैं तो वो देखते हैं कि शिवानी पहले से ही एक इंडिया एंड आइडल अशोक चोपड़ा से शादी कर रही है। विजय टूटा हुआ हैरान हो जाता है और जबकि शिवानी और अशोक अपने शादी के तुरंत बाद पोस्ट हो जाते हैं और अमेरिका चले जाते हैं। 4 साल बाद विजय शिवानी को नहीं भूल पाया और उसके माँ द्वारा लगाए गए सभी शादी के प्रस्तावों को ठुकरा दिया। शिवानी और अशोक की एक बेटी सिविंकी शिवानी के इकाई परिवर्तक के रूप में अपनी नौकरी दोहरा की है और मानसिक रूप से शारीरिक रूप से विकलांगी के लिए एक अस्पताल में स्वेच्छा से काम करना शुरू कर देता है। विजय शिवानी के करीब आने हैं उम्मीद में अशोक से दोस्ती करता है। वो अपनी खुद के एयरलाइंस शुरू करने की योजना बना रहे हैं जहाँ वो अशोक को उच्च वेतन वाले महाप्रबंधक के रूप में अशोक शिवानी पर विश्वास नहीं करते हैं और उसे विजय को असली चेहरे के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। विजय शिवानी और अशोक के एक नई कंपनी का घर देता है जिसमें जॉन के बाद शिवानी को पता चलता है कि वो गर्भवती है। वो अपने पति के साथ खबर साझा करते हैं लेकिन विजय ये कहते हुए बीच में आता है कि उसने शिवानी के स्वामित्व के नई एयरलाइंस के विज्ञापन के लिए इस्तेमाल किए हैं। जब शिवानी उनकी दोस्ती हो जाती है तो फिर दूसरे ही कहकर शीश अपनी नौकरी ने घर को छोड़ दिया है और वो इसके विजय परिवार का समर्थन करने के लिए काम करेंगे। अपमानित और क्रोधित अशोक ने शिवानी को थप्पड़ मारा और उसे स्वीकार कर दिया और जो अपने बड़े छत्तावे के लिए घर छोड़ देते हैं। विजय ने दिया कि वो कुपकरण के है और अशोक को बुरी तरह से पीटता है। जब वो अस्पताल में भर्ती होती है विजय शिवानी को मौजूदगी में अपनी असंजिक मार्क्स हटा देता है उसकी मदद हो जाती है। वो पुलिस को समझने की कोशिश करता है जो अशोक की मौत के लिए विजय जिम्मेदार था। हालांकि विजय अपने दोस्त बावजूद उसके वो उसे छोड़ दे। इस दौरान वो शिवानी के मिलने जाता है और उसे कहा जाता है कि वो उसे प्यार करती है। जैसे ही वो मना करती है वो उसकी विफल करता है उसे उसकी हत्या के प्रयास के लिए फरियाद करता है। उसे 3 साल जेल हो जाई गई क्योंकि वो अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सकी। पिंकी की पश्चिम और मोहनलाल के देखभाल में रखा गया है। मोहनलाल अपनी पत्नी के साथ व्यवहार करता है पिंकी को बोझ करता है। शिवानी अपने सेलमेट निशा से मिलती है जिस पर दहेज के एक मामले में गलत तरीके से हत्या का आरोप लगाया गया था। वे एक गुड जेल वार्डन के निगरानी में जेल में अपना दर्द साझा करते हैं जो जेल के कैदियों को रात में राजनीतिक नेताओं के लिए बेसब्री के लिए मजबूर करता था। जेल में भागने की कोशिश में वो अपनी जेल प्रहरी की क्रूरता की शिकायत करती है लेकिन उसकी दलील को मनोरंजन नजरअंदाज कर दिया जाता है। उसके बजाय इंस्पेक्टर अर्जुन ने वार्डन को बताया कि शिवानी ने ही उसकी अवैध गतिविधियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। मोहनलाल पश्चिम को पिंकी को छोड़ने के लिए मजबूर करता है लेकिन वो मना कर देती है। आवाज जवाब में उसने पश्चिम और पिंकी दोनों को बाहर कर दिया। जवाब गलती से शिवानी को बाहर और बेटी पर अपनी कार चलाकर उन्हें मार डालता है। शिवानी को उनकी मौत के बारे में पता चलता है और उन्हें पता चलता है कि विजय ने वही उन्हें मारा है। जब वो उनके परिवार का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जाने की फैसला करता है उस दिन रात के लिए एक कैसे को लेने के लिए राजनेताओं की यात्रा के दौरान शिवानी उल्टी कर देती है। जब जेल प्रहरी को पता चलता है कि शिवानी ने शिकायत की तो वो उसे बुरी तरह से पीटता है और उसे एक अवैध अलगाव कक्ष में फेंक देती है जिससे उसका गर्भपात हो जाता है। उसे सभी
प्रियजनों के निधन के साथ ही पानी दुनिया के लिए स्वतंत्र थी, जब जीने उसका एकमात्र मकसद उन सभी लोगों से बदलाव लेना था उन्होंने उनके साथ गलत किया था। जब वो जेल में रात भर पूजा कार्यक्रम की योजना बनाकर जेल वो चुपके से भाग जाती है और जेल वार्डन की फांसी के फंदे पर चीख कर मार देती है और उसे लटका देती है, जैसा ही कई सबूत नहीं है और एक मजबूत बहाना थे, शिवानी को उसके लिए दोषी नहीं ठहराता है। 3 साल बाद शिवानी जेल से रिहा होता है। पहले उसने मोहनलाल की रुपये के नोटिस की लगाकर उसके वहाँ से महत्वपूर्ण मात्रा में मांस बजाकर मार डाला। इंस्पेक्टर अर्जुन को हत्या के लिए शिवानी पर शक थे। जब शिवानी अपनी बेटी की कब्र पर विलाप कर रही थी, इंस्पेक्टर अर्जुन उसे रोकने के लिए सीधे उसकी कब्र पर कदम रखा है। जब वो इच्छा करता है तो खलिहाल ने उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास करता है, लेकिन शिवानी उस पर हावी हो जाते और खलिहान ने आग लगा दी जिसमें वो मार जाता है। शिवानी विजय के घर जाती है, लेकिन वो उसे चलता है पता चलता है विजय अपनी उसकी माँ के 2 साल पहले वहाँ से चले गए। वो उस अस्पताल में विकलांगों के सेवा करने के लिए अपना जीवन समर्पित करने का फैसला करते हैं, जहाँ वो स्वेच्छा से काम करते हैं। वहाँ के डॉक्टर ने सुझाव दिया कि वो टिकाऊ के अपने नए अस्पताल में रहें। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो बात ही देहपाता के सेनेटोरियम विजय की मां ने बताया था कि शिवानी ने विजय की लकवाग्रस्त अवस्था में गर्भगृह के पाया कार दुर्घटना के कारण चलने की क्षमता खो दे रही है, जिसमें शिवानी को बहन और बेटी के मौत की हो गई। वो उसके पुनर्वास के लिए स्वेच्छा के काम करते। शिवानी के प्यार में अध्ययन से विजय ठीक हो जाता है। विजय शिवानी के साथ बार फिर से उसके प्यार में पड़ जाते हैं, शादी के करने लिए कहते हैं क्योंकि उसके पास जीवन में कई अन्य विकल्प नहीं है। चाकू मारने से पहले शिवानी ने उसे आगे लगा दिया। वो कबूल करती है कि उसे एक उद्देश्य के लिए स्वास्थ्य के लिए नर्स किया उसे मारने के लिए, क्योंकि वो एक अक्षय व्यक्ति और मरे माना पाप हो जाता है, खुद को बचाव नहीं कर सकता। अपने हथपाई में वे शिवानी के पैर पर विजय के साथ एक चट्टान में लपटने हुए समाप्त हो जाती है। विजय का कहना है कि अगर उसकी मौत हो जाती है तो वो शिवानी को अपने साथ जो ले जाएगा, ये तय करते हुए कि विजय के लिए उसके सीने से ज़्यादा जरूरी मरना है। शिवानी जाने देता है जिससे दोनों की मौत हो जाती है। लाला शिवानी चोपड़ा के रूप में माधुरी दीक्षित, विजय अग्निहोत्री के रूप में शाहरुख खान, सुधा चंद्रन पंत सिंह शिवानी के बहन और मोहनलाल की पत्नी के रूप में तीनू आनंद, मोहनलाल शिवानी के बहनोई के पत्निया के रूप में चंदा चमेली के रूप में जॉनी लीवर, प्रीमती पद्मा अग्निहोत्री के विजय की माँ के रूप में बीना बनर्जी, बीना पूरी शिवानी के दोस्त और जेल में आत्मविश्वासी किरण कुमार, इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह के रूप में दीपक तिजोरी, अशोक चोपड़ा शिवानी के रूप में नीतीश, भूमिका कल्पनान्या जेल वार्डन के रूप में नीतीश, हिंदू मंत्री बनने पिंकी चोपड़ा, अशोक के शिवानी की पत्नी के रूप में विजय अग्निहोत्री एक अमीर बिगड़ेल आदमी है जो मुंबई शहर में अपनी माँ के साथ रहता है। अपनी माँ के असी उसे कुछ सब कुछ और उससे अधिक की अनुमति देती है जो वो चाहता है। वो एक दिन एक दुर्घटना विजय शिवानी चोपड़ा नाम के एक रेफरेंस के प्यार पहुंचते हैं, कमजोर होता है। वो तुरंत शिवानी के प्यार में पड़ जाता है। वो अपनी माँ के अपने प्यार के बारे में बताता है और उसकी माँ उसकी शादी करने के लिए सहमत हो जाती है। वहाँ शिवानी के घर जाने के रास्ते में उन्हें एक बुरा झटका लगता है क्योंकि शिवानी ने एक एयरलाइंस पायलट अशोक चोपड़ा से शादी करने थी। विजय इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में असमर्थ हो जाती है। शिवानी को उसके शादी करने के लिए मनाता रहता है। जब शिवानी को परिवार को भी नष्ट कर देता है तो उसे जेल भेज दिया जाता है। जब शिवानी जेल से छूटती है तो वो विजय से बदला लेने और उसके प्यार सारे पापों का सिवा हिसाब लेने के लिए योजना हम बनाते हैं। अंजाम डर के 5 महीने बाद रिलीज हुई। अंजाम के स्टार शाहरुख खान ने डर में एक एंटी हीरो की भूमिका निभाई, जहां वो जूही चावला द्वारा निभाई गई। किरण के किरदार से जुनूनी रूप से प्यार करते हैं। वो जासूस साजिश रचता है, धोखा देता है, हत्या करता है और अपहरण कर लेता है और किरण के जीवन पर लगभग नियंत्रण कर लेता है। इसमें पहले कि उसके मंगेतर सनी देओल ने उसे मौत के घाट उतार दिया। खान द्वारा लिखे फिल्म में निभाए गए चरित्र के साथ असहाय प्रेम और जुनून की भावना जुड़ी हुई थी और अधिकांश इशक उसने जुड़े थे और उन्होंने सनी देओल की तुलना में उनके लिए अधिक उत्साह बढ़ाया। भले ही वो सब कुछ बुरा करता है, वो किसी भी तरह से फिल्म का खलनायक नहीं था। वो एक नायक विरोधी अधिक था और वो कर रहा था जो वो अपने सपनों को लड़की के अपना बनाने के लिए कर रहा था।
दीपिका पृथ्वीराज की विशेष उपस्थिति में यह फिल्म बार बार था जब दीक्षित और खान को एक साथ जोड़ा गया था। समीर द्वारा लिखे गए गीत के साथ फिल्म का संगीत आनंद मिलिंद द्वारा रचित था। यह फिल्म एक ऐसी महिला के बारे में है जो अपने जुनूनी प्रेमी का खामियाज भुगत रही है। यह महिला पर होने वाली अत्याचार पर भी केंद्रित है। यश चोपड़ा डर के अपने प्रदर्शन के लिए पिछले वर्ष पुरस्कार जीतने के लिए रहते हैं। 40वें फिल्मफेयर पुरस्कार में अंजाम में अपने प्रदर्शन के लिए खान को सर्वश्रेष्ठ सरल नायक का पुरस्कार जीता। इसके अलावा फिल्म के दीक्षित को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए अपना 7वां नामांकन भी गया। लेकिन इसके बजाय उन्होंने हम आपके है कौन के लिए पुरस्कार जीता। खान के अपने पैना रेड चिली एंटरटेनमेंट के तहत इस फिल्म के अधिकार खरीदते हैं। शिवानी दोचवा एयर इंडियन के एयर होस्टेस हैं। वे अपने बहुत लक्ष्मी और अपने जीजा मोहनलाल के साथ रहे हैं जो एक शराबी है और घोड़े को दौड़ पर मिलने वाले सभी पैसे दांव पर लग रहे हैं। शिवानी को मुलाकात एक धनी उद्योग विजय अग्निहोत्री से होती है जो तुरंत उसके साथ मुग्ध हो जाते हैं और लेकिन वो उससे कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं। विजय अपने पारंपरिक उद्योगों के मालिक है। वो अपने उपनिच्छे के शिवानी मंडल लाने को कोशिश करते हैं लेकिन वो इसे मानते हैं कि वह नहीं है। वो उसका प्रेमी बनने के लिए उसका पीछा करता है जारी रखता है लेकिन वो बार जो कि जाकिर खा जाता है। विजय अपनी माँ पद्मा को बताता है कि वो केवल शिवानी से ही शादी करेगा। जब वे शादी के लिए शिवानी के परिवार से संपर्क करते हैं तो वो देखते हैं कि शिवानी पहले से ही एक इंडिया एंड आइडल अशोक चोपड़ा से शादी कर रही हैं। विजय टूटा हुआ हैरान हो जाता है जबकि शिवानी और अशोक अपने शादी के तुरंत बाद पोस्ट हो जाते हैं और अमेरिका चले जाते हैं। 4 साल बाद विजय शिवानी को नहीं भूल पाया और उसके अपनी माँ द्वारा लगाए गए सभी शादी के प्रस्तावों को ठुकरा दिया। शिवानी और अशोक की एक ब्रिटिश विंकी शिवानी के जी इकाई परिवर्तक के रूप में अपनी नौकरी दौड़ा की है और मानसिक रूप से शारीरिक रूप से विकलांगी के लिए एक अस्पताल में स्वेच्छा से काम करना शुरू कर देता है। विजय शिवानी के अजीब आदेश हैं। उम्मीद में अशोक से दोस्ती करता है। वो अपनी खुद को एयरलाइंस शुरू करने की योजना बना रहे हैं जहाँ वो अशोक को उच्च वेतन वाले महाप्रबंधक के रूप में अशोक शिवानी पर विश्वास नहीं करते हैं और उसे विजय को असली चेहरे के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। विजय शिवानी और अशोक के एक नई कंपनी का घर देता है जिसमें जॉन के बाद शिवानी को पता चलता है कि वो गर्भवती। वो अपने पति के साथ खबर साझा करते हैं लेकिन विजय ये कहते हुए बीच में आता है कि उसने शिवानी के स्वामित्व के नई एयरलाइंस के प्रिंट के लिए इस्तेमाल किए हैं। जब शिवानी उनकी दोस्ती हो जाती है तो फिर दूसरी है कि कशिश अपनी नौकरी ने घर को छोड़ दिया है और वो इसके बजाय परिवार का समर्थन करने के लिए काम करेंगे। अपमानित और क्रोधित अशोक ने शिवानी को थप्पड़ मारा और उसे स्वीकार कर दिया और जो अपने बड़े छिपतावे के लिए घर छोड़ देते हैं। विजय ने दिया कि वो प्रकरण के है और अशोक को बुरी तरह से पीटता है। जब वो अस्पताल में भर्ती होती है विजय शिवानी को मौजूदगी में अपनी असंजिक मार्क्स हटा देता है। इसकी मदद हो जाती है। वो पुलिस को समझने की कोशिश करता है जो अशोक की मौत के लिए विजय जिम्मेदार था। हालांकि विजय अपने दोस्त बावजूद उसके वो उसे छोड़ दे। इस दौरान वो शिवानी के मिलने जाता है और उसे कहा जाता है कि वो उसे प्यार करती है। जैसे ही वो मना करती है वो उसकी विफल करता है। उसे उसकी हत्या के प्रयास के लिए याद करता है। उसे 3 साल जेल मिल गई क्योंकि वो अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सकी। पिंकी की पश्चिम और मोहनलाल की देखभाल में रखा गया है। मोहनलाल अपनी पत्नी के साथ व्यवहार करता है। पिंकी को बोझ करता है। शिवानी अपने सेलमेट निशा से मिलती है जिस पर दहेज के एक मामले में गलत तरीके से हत्या का आरोप लगाया गया था। वे एक पूर्व जेल वार्डन के निगरानी में जेल में अपना दर्द साझा करते हैं जो जेल के कैदियों को रात में राजनीतिक नेताओं के लिए बेसाबीती के लिए मजबूर करता था। जेल में भागने की कोशिश में वो अपने जेल प्रहरी को क्रूरता की शिकायत करती है लेकिन उसकी दलील को मनोरंजन नजरअंदाज कर दिया गया था। उसके बजाय इंस्पेक्टर अर्जुन ने वार्डन को बताया कि शिवानी ने ही उसकी अवैध गतिविधियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। मोहनलाल पश्चिम को पिंकी को छोड़ने के लिए मजबूर करता है लेकिन वो मना कर देती है। आवाज जवाब में उसने पश्चिम और पिंकी दोनों को बाहर कर दिया। अलावा गलती से शिवानी को बाहर और बेटी पर अपनी कार चलाकर उन्हें मार डालता है। शिवानी को उनकी मौत के बारे में पता चलता है। उन्हें पता चलता है कि विजय ने वही उन्हें मारा है। जब वो उनके परिवार का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जाने की फैसला करता है उस दिन रात के लिए एक कैसे
को लेने के लिए राजनेताओं की यात्रा के दौरान शिवानी उल्टी कर देती है। जब जेल प्रहारी को पता चलता है कि शिवानी ने शिकायत की तो वो उसे बुरी तरह से पीटता है और उसे एक अवैध अलगाव कक्ष में फेंक देती है, जिससे उसका गर्भपात हो जाता है। उसे सभी प्रियजनों के निधन के साथ शिवानी दुनिया के लिए स्वतंत्र थी। जब जीने उसका एकमात्र मकसद उन सभी लोगों से बदलाव लेना था, उन्होंने उनके साथ गलत किया था। जब वो जेल में रात भर पूजा कार्यक्रम की योजना बनाकर जेल वो चुपके से भाग जाती है और जेल वार्डन की फांसी के फंदे पर चीख कर मार देती है और उसे लटका देती है। जैसे सबूत नहीं है और एक मजबूत बहाना थे, शिवानी को उसके लिए दोषी नहीं ठहराया है। 3 साल बाद शिवानी जेल से रिहा होता है। पहले उसने मोहनलाल की रुपए के नोटिस की लगाकर उसके वहाँ से महत्वपूर्ण मात्रा में मास्क लगाकर मार डाला। इंस्पेक्टर अर्जुन को हत्या के लिए शिवानी पर शक थे। जब शिवानी अपनी बेटी की कब्र पर विलाप कर रही थी, इंस्पेक्टर अर्जुन उसे रोकने के लिए सीधे उसकी कब्र पर कदम रखा है। जब वो पीछा करता है तो खलिहाल ने उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास करता है, लेकिन शिवानी उस पर हावी हो जाते और खलिहान में आग लगा दी है, जिसमें वो मार जाता है। शिवानी विजय के घर जाते हैं, लेकिन वो उसे चलता है पता चलता है विजय अपनी उसकी माँ के 2 साल पहले वहाँ से चले गए। वो उस अस्पताल में विकलांगों की सेवा करने के लिए अपना जीवन समर्पित करने का फैसला करते हैं, जहाँ वो स्वेच्छा से काम करते हैं। वहाँ के डॉक्टर ने उन्हें सुझाव दिया कि वो टीकाओं के अपने नए अस्पताल में रहें। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो भारतीय देहपाता के सेनेटोरियम विजय की माँ ने बताया था कि शिवानी ने विजय की दुखाग्रस्त अवस्था में गवाहों के पाया कार दुर्घटना के कारण चलने की क्षमता खो दे रही है, जिसमें शिवानी को बहन और बेटी के मौत की हो गई। वो उसके पुनर्वास के लिए स्वेच्छा के काम करते। शिवानी के प्यार में ध्यान से विजय ठीक हो जाता है। विजय शिवानी के साथ बार फिर से उसके प्यार में पड़ जाते हैं। शादी के करने लिए कहते हैं क्योंकि उसके पास जीवन में कई अन्य विकल्प नहीं है। चाकू मारने से पहले शिवानी ने उसे आगे लगा दिया। वो कबूल करते हैं कि उसे एक उद्देश्य के लिए स्वास्थ्य के लिए नर्स किया, उसे मारने के लिए, क्योंकि वो एक अक्षय व्यक्ति और माना प्राप्त हो जाता है, खुद को बचाव नहीं कर सकता। अपने तपाई में वे शिवानी के पैर पर विजय के साथ एक चट्टान में लपटने हुए समाप्त हो जाते हैं। विजय का कहना है कि अगर उसकी मौत हो जाती है तो वो शिवानी को अपने साथ जो ले जाएगा। ये तय करते हुए कि विजय के लिए उसके सीने से पैदा जरूरी बन रहा, शिवानी जाने देता है, जिससे दोनों की मौत हो जाती है। लाला शिवानी चोपड़ा के रूप में माधुरी दीक्षित, विजय अग्निहोत्री के रूप में शाहरुख खान, सुधा चंद्रन सिंह शिवानी के बहन और मोहनलाल की पत्नी के रूप में तीनू आनंद, मोहनलाल शिवानी के बहनोई के परिवार के रूप में चंदा, चुमेली के रूप में जॉनी लीवर, प्रीमति पद्मा अग्निहोत्री के विजय की माँ के रूप में बीना बनर्जी, बीना पूरी शिवानी के दोस्त और जेल में आत्मविश्वासी किरण कुमार, इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह के रूप में दीपक तिजोरी, अशोक चोपड़ा शिवानी के रूप में नीतीश, भूमिका कल्पना जेल वार्डन के रूप में नीतीश, हिंदू नीतीश बनने पिंकी चोपड़ा, अशोक के शिवानी की पत्नी के रूप में विजय अग्निहोत्री एक अमीर बिगड़ेल आदमी है जो मुंबई शहर में अपनी माँ के साथ रहता है। अपनी माँ के असी उसे कुछ सब कुछ और उससे अधिक की अनुमति देती है जो वो चाहता है। वो एक दिन एक दुर्घटना विजय शिवानी चोपड़ा नाम के एक रिलेशंस के प्यार पहुँचते हैं, कमजोर होता है, वो तुरंत शिवानी के प्यार में पड़ जाता है। वो अपनी माँ के अपने प्यार के बारे में बताता है और उसकी माँ उसकी शादी करने के लिए सहमत हो जाती है। वहाँ शिवानी के घर जाने के रास्ते में उन्हें एक बुरा झटका लगता है, क्योंकि शिवानी ने एक एयरलाइंस पायलट अशोक चोपड़ा से शादी करनी थी। विजय इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में असमर्थ हो जाती है। शिवानी को उसके शादी करने के लिए मनाता रहता है। जब शिवानी को परिवार को भी नष्ट कर देता है तो उसे जेल भेज दिया जाता है। जब शिवानी जेल से छूटती है तो वो विजय से बदला लेने और उसके प्यार सारे पापों का हिसाब लेने के लिए योजना बनाते हैं। अंजाम डर के 5 महीने बाद रिलीज हुई। अंजाम के साथ शाहरुख खान ने डर में एक एंटी हीरो की भूमिका निभाई, जहां वो जूही चावला द्वारा निभाए गए किरण के किरदार से जुनूनी रूप से प्यार करते हैं। वो जासी राजेश रचता है, धोखा देता है, हत्या करता है और अपहरण कर लेता है और किरण के जीवन पर लगभग नियंत्रण कर लेता है। इसलिए पहले कि उसके मंगेतर सनी देओल ने उसे मौत के घाट उतार दिया, खान द्वारा लिखे फिल्म में निभाए गए चरित्र के साथ असहाय प्रेम और जुनून की भावना जुड़ी हुई थी और अधिकांश इस
उत्सुक उसने जुड़े थे और उन्होंने सनी देओल की तुलना में उनके लिए अधिक उत्साह बढ़ाया। भले ही वो सब कुछ बुरा करता है, वो किसी भी तरह से फिल्म का खलनायक नहीं था। वो एक नायक विरोधी अधिक था और वो कर रहा था जो वो अपने सपनों को लड़की के अपना बनाने के लिए कर रहा था। दीपिका प्रतिद्वंदी की विशेष उपस्थिति में यह फिल्म बार बार था जब दीक्षित और खान को एक साथ जोड़ा गया था। समीर द्वारा लिखे गए गीत के साथ फिल्म का संगीत आनंद मिलिंद द्वारा रचित था। यह फिल्म एक ऐसी महिला के बारे में है जो अपने जूनी प्रेमी का खामियाज भुगत रहे हैं। यह महिला पर होने वाली अत्याचार पर भी केंद्रित है। यश चोपड़ा डर के अपने प्रदर्शन के लिए पिछले वर्ष पुरस्कार जीतने के लिए रहे थे के बाद 40वें फिल्मफेयर पुरस्कार में अंजाम में अपने प्रदर्शन के लिए खान को सर्वश्रेष्ठ सहनायक को पुरस्कार जीता। इसके अलावा फिल्म के दीक्षित को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए अपना 7वां नामांकन भी गया, लेकिन इसके वजह उन्होंने हम आपके है कौन के लिए पुरस्कार जीता। खान के अपने पैना रेड चिली एंटरटेनमेंट के तहत इस फिल्म के अधिकार खरीदते हैं। शिवानी दोचवा एयर इंडियन के एयर होस्टेस हैं। वे अपने बहुत लक्ष्मी और अपने जीजा मोहनलाल के साथ रहे हैं जो एक शराबी है और घोड़े को दौड़ पर मिलने वाले सभी पैसे दांव पर लग रहे हैं। शिवानी को मुलाकात एक धनी उद्योग विजय अग्निहोत्री से होती है जो तुरंत उसके साथ मुग्ध हो जाते हैं और लेकिन वो उससे कहीं दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं। विजय अपने पारंपरिक उद्योगों के मालिक है। वो अपने मुख्य के शिवानी मंडल लाने को कोशिश करता है लेकिन वो उसे मानते हैं कि वह नहीं है। वो उसका प्रेमी बनने के लिए उसका पीछा करता है, जारी रखता है लेकिन वो बार जो कि जाकिर खा जाता है। विजय अपनी माँ पद्मा को बताता है कि वो केवल शिवानी से ही शादी करेगा। जब वे शादी के लिए शिवानी के परिवार से संपर्क करते हैं तो वो देखते हैं कि शिवानी पहले से ही एक इंडिया एंड आइडल अशोक चोपड़ा से शादी कर रही हैं। विजय टूटा हुआ हैरान हो जाता है जबकि शिवानी और अशोक अपने शादी के तुरंत बाद पोस्ट हो जाते हैं और अमेरिका चले जाते हैं। 4 साल बाद विजय शिवानी को नहीं भूल पाया और उसके अपनी माँ द्वारा लगाए गए सभी शादी के प्रस्तावों को ठुकरा दिया। शिवानी और अशोक की एक बेटी सिविंकी शिवानी के जी इकाई परिवारिक के रूप में अपनी नौकरी दौड़ा की है और मानसिक रूप से शारीरिक रूप से विकलांगी के लिए एक अस्पताल में स्वेच्छा से काम करना शुरू कर देता है। विजय शिवानी के अरीब आते हैं, उम्मीद में अशोक से दोस्ती करता है। वो अपनी खुद को एयरलाइंस शुरू करने की योजना बना रहे हैं जहाँ वो अशोक को उच्च वेतन वाले महाप्रबंधक के रूप में अशोक शिवानी पर विश्वास नहीं करते हैं और उसे विजय को असली चेहरे के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। विजय शिवानी और अशोक के एक नई कंपनी का घर देता है जिसमें जॉन के बाद शिवानी को पता चलता है कि वो गर्भवती है। वो अपने पति के साथ खबर साझा करती हैं लेकिन विजय ये कहते हुए बीच में आता है कि उसने शिवानी के स्वामित्व के नई एयरलाइंस के बिजली पिन के लिए इस्तेमाल किए हैं। जब शिवानी उनकी दोस्ती हो जाती है तो फिर दूसरे हैं कि कशिश अपनी नौकरी ने घर को छोड़ दिया है और वो इसके बजाय परिवार का समर्थन करने के लिए काम करेंगे। अपमानित और क्रोधित अशोक ने शिवानी को थप्पड़ मारा और उसे स्वीकार कर दिया और जो अपने बड़े छत्थावे के लिए घर छोड़ देते हैं। विजय ने दिया कि वो कुपकरण के है और अशोक को बुरी तरह से पीटता है। जब वो अस्पताल में भर्ती होती है विजय शिवानी को मौजूदगी में अपनी असंजिक मार्क्स हटा देता है उसकी मदद हो जाती है। वो पुलिस को समझने की कोशिश करता है जो अशोक की मौत के लिए विजय जिम्मेदार था। हालांकि विजय अपने दोस्त बावजूद उसके वो उसे छोड़ दे। इस दौरान वो शिवानी के मिलने जाता है और उसे कहा जाता है कि वो उसे प्यार करती है। जैसे ही वो मना करती है वो उसकी विफल करता है, उसे उसकी हत्या के प्रयास के लिए याद करता है। उसे 3 साल जेल घुमाई गई क्योंकि वो अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सकी। पिंकी की पश्चिम और मोहनलाल की देखभाल में रखा गया है। मोहनलाल अपनी पत्नी के साथ व्यवहार करता है, पिंकी को बोझ करता है। शिवानी अपने सेलमेट निशा से मिलती है जिस पर दहेज के एक मामले में गलत तरीके से हत्या का आरोप लगाया गया था। वे एक उच्च जेल वार्डन के निगरानी में जेल में अपना दर्द साझा करते हैं जो जेल के कैदियों को रात में राजनीतिक नेताओं के लिए वेशावृत्ति के लिए मजबूर करता था। जेल में भागने की कोशिश में वो अपने जेल प्रहरी को क्रूरता की शिकायत करती है लेकिन उसकी दलील को मनोरंजन नजरअंदाज कर दिया जाता है। उसके बजाय इंस्पेक्टर अर्जुन ने वार्डन को बताया कि शिवानी ने ही उसकी
अवैध गतिविधियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। मोहनलाल पश्चिम को पिंकी को छोड़ने के लिए मजबूर करता है, लेकिन वो मना कर देती है। आवाज जवाब में उसने पश्चिम और पिंकी दोनों को बाहर कर दिया। अनुभव गलती से शिवानी को बाहर और बेटी पर अपनी कार चलाकर उन्हें मार डालता है। शिवानी को उनकी मौत के बारे में पता चलता है। उन्हें पता चलता है कि विजय ने उन्हीं उन्हें मारा है। जब वो उनके परिवार का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जाने की फैसला करता है, उस दिन रात के लिए एक कैसे को लेने के लिए राजनेताओं की यात्रा के दौरान शिवानी उल्टी कर देती है। जब जेल प्रहारी को पता चलता है कि शिवानी ने शिकायत की, तो वो उसे बुरी तरह से पीटता है और उसे एक अवैध अलगाव कक्ष में फेंक देती है, जिससे उसका गर्भपात हो जाता है। उसे सभी प्रियजनों के निधन के साथ शिवानी दुनिया के लिए स्वतंत्र थी। जब जीने उसका एकमात्र मकसद उन सभी लोगों से बदलाव लेना था, उन्होंने उनके साथ गलत किया था। जब वो जेल में रात भर पूजा कार्यक्रम की योजना बनाकर जेल बोचुपके से भाग जाती है और जेल वार्डन की फांसी के फंदे पर चीख कर मार देती है और उसे लटका देती है, जैसे सबूत नहीं है और एक मजबूत बहाना थे। शिवानी को उसके लिए दोषी नहीं ठहराया था। 3 साल बाद शिवानी जेल से रिहा होता है। पहले उसने मोहनलाल की रुपए के नोटिस की लगाकर उसके वहाँ से महत्वपूर्ण मात्रा में मांस बनाकर मार डाला। इंस्पेक्टर अर्जुन को हत्या के लिए शिवानी पर शक थे। जब शिवानी अपनी बेटी की कब्र पर विलाप कर रही थी, इंस्पेक्टर अर्जुन उसे रोकने के लिए सीधे उसकी कब्र पर कदम रखा है। जब वो पीछा करता है तो खलिहाल ने उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास करता है, लेकिन शिवानी उस पर हावी हो जाते और खलिहान ने आग लगा दी है, जिसमें वो मार जाता है। शिवानी विजय के घर जाती है, लेकिन वो उसे चलता है पता चलता है विजय अपनी उसकी माँ के 2 साल पहले वहाँ से चले गए। वो उस अस्पताल में विकलांगों के सेवा करने के लिए अपना जीवन समर्पित करने का फैसला करते हैं, जहाँ वो स्वेच्छा से काम करते हैं। वहाँ के डॉक्टर ने सुझाव दिया कि वो ठीक के अपने नए अस्पताल में रहें। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो भाती देवपाता के सेनेटोरियम विजय की माँ ने बताया था कि शिवानी ने विजय की दुखाग्रस्त अवस्था में गर्भगृह के पाया कार दुर्घटना के कारण चलने की क्षमता खो दे रही है, जिसमें शिवानी को बहन और बेटी के मौत की हो गई। वो उसके पुनर्वास के लिए स्वेच्छा के काम करते। शिवानी के प्यार में अध्ययन से विजय ठीक हो जाता है। विजय शिवानी के साथ बार फिर से उसके प्यार में पड़ जाते हैं। शादी के करने लिए कहते हैं क्योंकि उसके पास जीवन में कई अन्य विकल्प नहीं है। चाकू मारने से पहले शिवानी ने उसे आगे लगा दिया। वो कबूल करते हैं कि उसे एक उद्देश्य के लिए स्वास्थ्य के लिए नष्ट किया, उसे मारने के लिए, क्योंकि वो एक अक्षय व्यक्ति और मर माना पाप हो जाता है, खुद को बचाव नहीं कर सकता। अपने अतपाई में भी शिवानी के पैर पर विजय के साथ एक चट्टान लपटने हुए समाप्त हो जाते हैं। विजय का कहना है कि अगर उसकी मौत हो जाती है तो वो शिवानी को अपने साथ जो ले जाएगा। ये तय करते हुए कि विजय के लिए उसके सीने से जरूरी मरना है, शिवानी जाने देता है, जिससे दोनों की मौत हो जाती है। लालना शिवानी चोपड़ा के रूप में, माधुरी दीक्षित विजय अग्निहोत्री के रूप में, शाहरुख खान सुधा चंद्रन पंत सिंह शिवानी के बहन और मोहनलाल की पत्नी के रूप में, तीनू आनंद मोहनलाल शिवानी के बहनोई के पत्निया के रूप में, चंदा फिमेली के रूप में, जॉनी लीवर प्रेमवती पद्मा अग्निहोत्री के विजय की माँ के रूप में, बीना बनर्जी बीनापुरी शिवानी के दोस्त और जेल में आत्मविश्वासी किरण कुमार इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह के रूप में, दीपक तिजोरी अशोक चोपड़ा शिवानी के रूप में, नीतीश भूमिका कल्पना जेल वार्डन के रूप में, नीतीश हिंदू नीतीश बनने, पिंकी चोपड़ा अशोक के शिवानी की पत्नी के रूप में। विजय अग्निहोत्री एक अमीर बिगड़ेल आदमी है जो मुंबई शहर में अपनी माँ के साथ रहता है। अपनी माँ के असी उसे कुछ सब कुछ और उससे अधिक की अनुमति देती है जो वो चाहता है। वो एक दिन दुर्घटना में विजय शिवानी चोपड़ा नाम के एक रिलेटिव के प्यार पहुँचते हैं, कमजोर होता है। वो तुरंत शिवानी के प्यार में पड़ जाता है। वो अपनी माँ के अपने प्यार के बारे में बताता है और उसकी माँ उसकी शादी करने के लिए सहमत हो जाती है। वहाँ शिवानी के घर जाने के रास्ते में उन्हें एक बुरा झटका लगता है, क्योंकि शिवानी ने एक एयरलाइंस पायलट अशोक चोपड़ा से शादी करनी थी। विजय इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में असमर्थ हो जाते हैं। शिवानी को उसके शादी करने के लिए मनाता रहता है। जब शिवानी को परिवार को भी नष्ट कर देता है तो उसे जेल भेज दिया जाता है। जब शिवानी जेल से छूटती है तो वो विजय से बदला लेने और उसके प्यार सारे पापों का हिसाब लेने के लिए योजना बनाते हैं।
अंजाम डर के 5 महीने बाद रिलीज हुई। अंजाम के साथ शाहरुख खान ने डर में एक एंटी हीरो की भूमिका निभाई, जहां वो जूही चावला द्वारा निभाए गए किरण के किरदार से जुनूनी रूप से प्यार करते हैं। वो उदासी हरीश स्थान धोखा देता है, हत्या करता है और अपहरण कर लेता है और किरण के जीवन पर लगभग नियंत्रण कर लेता है। इसलिए पहले कि उसके मंगेतर सनी देओल ने उसे मौत के घाट उतार दिया। खान द्वारा लिखे फिल्म में निभाए गए चरित्रों के साथ असहाय प्रेम और जुनून की भावना जुड़ी हुई थी और अधिकांश ईशक उसने जुड़े थे और उन्होंने सनी देओल की तुलना में उनके लिए अधिक उत्साह बढ़ाया। भले ही वो सब कुछ बुरा करता है, वो किसी भी तरह से फिल्म का खलनायक नहीं था। वो एक नायक विरोधी अधिक था और वो कर रहा था जो वो अपने सपनों को लड़की के अपना बनाने के लिए कर रहा था। दीपिका पादुकोण की विशेष उपस्थिति में यह फिल्म बार बार था जब लिखित और खान को एक साथ जोड़ा गया था। समीर द्वारा लिखे गए गीत के साथ फिल्म का संगीत आनंद मिलन द्वारा रचित था। यह फिल्म एक ऐसी महिला के बारे में है जो अपने यूनी प्रेमी का खामियाज भुगत रही है। यह महिला पर होने वाली अत्याचार पर भी केंद्रित है। यश चोपड़ा डर के अपने प्रदर्शन के लिए पिछले वर्ष पुरस्कार जीतने के लिए रहते हैं। 40वें फिल्मफेयर पुरस्कार में अंजाम ने अपने प्रदर्शन के लिए खान को सर्वश्रेष्ठ सहनायक का पुरस्कार जीता। इसके अलावा फिल्म के दीक्षित को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए अपना 7वां नामांकन भी गया, लेकिन इसके वजह उन्होंने हम आपके है कौन के लिए पुरस्कार जीता। खान के अपने पेना फेवरेट चिल्स एंटरटेनमेंट के तहत इस फिल्म के अधिकार खरीदते हैं। शिवानी तोचवा एयर इंडियन के एयर होस्टेस हैं। वे अपने बहुत लक्ष्मी और अपने जीजा मोहनलाल के साथ रहे हैं जो एक शराबी है और घोड़े को दौड़ पर मिलने वाले सभी पैसे दांव पर लग रहे हैं। शिवानी को मुलाकात एक धनी उद्योग विजय अग्निहोत्री से होती है जो तुरंत उसके साथ मुग्ध हो जाते हैं, और लेकिन वो उससे कहीं दिलचस्पी नहीं दिखाते। विजय अपने पारंपरिक उद्योगों के मालिक है। वो अपने नीचे के शिवानी मंडल लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसे मानते हैं कि वो नहीं है। वो उसका प्रेमी बनने के लिए उसका पीछा करता है, जारी रखता है, लेकिन वो बार जो कि जाकिर खा जाता है। विजय अपनी माँ पद्मा को बताता है कि वो केवल शिवानी से ही शादी करेगा। जब वे शादी के लिए शिवानी के परिवार से संपर्क करते हैं तो वो देखते हैं कि शिवानी पहले से ही एक इंडिया एंड आइडल अशोक चोपड़ा से शादी कर रहे हैं। विजय टूटा हुआ हैरान हो जाता है, जबकि शिवानी और अशोक अपने शादी के तुरंत बाद पोस्ट हो जाते हैं और अमेरिका चले जाते हैं। 4 साल बाद विजय शिवानी को नहीं भूल पाया और उसके माँ द्वारा लगाए गए सभी शादी के प्रस्तावों को ठुकरा दिया। शिवानी और अशोक की एक बेटी शिविंकी शिवानी के जी इकाई परिवर्तक के रूप में अपनी नौकरी दौड़ा की है और मानसिक रूप से शारीरिक रूप से विकलांगी के लिए एक अस्पताल में स्वेच्छा से काम करना शुरू कर देता है। विजय शिवानी के करीब आते हैं, उम्मीद में अशोक से दोस्ती करता है। वो अपनी खुद के एयरलाइंस शुरू करने की योजना बना रहे हैं, जहाँ वो अशोक को उच्च वेतन वाले महाप्रबंधक के रूप में अशोक शिवानी पर विश्वास नहीं करते हैं और उसे विजय को असली चेहरे के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। विजय शिवानी और अशोक को एक नई कंपनी का घर देता है, जिसमें जॉन के बाद शिवानी को पता चलता है कि वो गर्भवती है। वो अपने पति के साथ खबर साझा करती हैं, लेकिन विजय ये कहते हुए बीच में आता है कि उसने शिवानी के स्वामित्व के लिए एयरलाइंस के विज्ञापन के लिए इस्तेमाल किए हैं। जब शिवानी उनकी दोस्ती हो जाती है तो फिर दूसरी है कि कशिश अपनी नौकरी ने घर को छोड़ दिया है और वो इसके बजाय परिवार का समर्थन करने के लिए काम करेंगे। अपमानित और क्रोधित अशोक ने शिवानी को थप्पड़ मारा और उसे स्वीकार कर दिया, और जो अपने बड़े छत्तावे के लिए घर छोड़ देते हैं। विजय ने दिया कि वो कुपकरण के है और अशोक को बुरी तरह से पीटता है। जब वो अस्पताल में भर्ती होती है, विजय शिवानी को मौजूदगी में अपनी असंजित मार्क्स हटा देता है, इसकी मदद हो जाती है। वो पुलिस को समझने की कोशिश करता है जो अशोक की मौत के लिए विजय जिम्मेदार था। हालांकि विजय अपने दोस्त बावजूद उसके वो उसे छोड़ दे। इस दौरान वो शिवानी के मिलने जाता है और उसे कहा जाता है कि वो उसे प्यार करती है। जैसे ही वो मना करते हैं, वो उसकी विफल करता है, उसे उसकी हत्या के प्रयास के लिए याद करता है। उसे 3 साल जेल भेजा गई क्योंकि वो अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सकी। पिंकी की पश्चिम और मोहनलाल की देखभाल में रखा गया है। मोहनलाल अपनी पत्नी के साथ व्यवहार करता है, पिंकी को बोझ करता है। शिवानी अपने
सिलमेट निशा से मिलती है, जिस पर दहेज के एक मामले में गलत तरीके से हत्या का आरोप लगाया गया था। वे एक जेल वार्डन के ग्रामीण जेल में अपना दर्द साझा करते हैं, जो जेल के कैदियों को रात में राजनीतिक नेताओं के लिए बेसाबीती के लिए मजबूर करता था। जेल में भागने की कोशिश में वो अपनी जेल पर बड़ी क्रूरता की शिकायत करते हैं, लेकिन उसकी दलील को मनोरंजन नजरअंदाज कर दिया जाता है। उसके बजाय इंस्पेक्टर अर्जुन ने वार्डन को बताया कि शिवानी ने ही उसकी अवैध गतिविधियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। मोहनलाल पश्चिम को पिंकी को छोड़ने के लिए मजबूर करता है, लेकिन वो मना कर देती है। आवाज जवाब में उसने पश्चिमी और पिंकी दोनों को बाहर कर दिया। अनुभव गलती से शिवानी को बाहर और बेटी पर अपनी कार चलाकर उन्हें मार डालता है। शिवानी को उनकी मौत के बारे में पता चलता है। उन्हें पता चलता है कि विजय ने उन्हें मारा है। जब वो उनके परिवार का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जाने का फैसला करता है, उस दिन रात के लिए एक कैसे को लेने के लिए राजनेताओं की यात्रा के दौरान शिवानी उल्टी कर देती है। जब जेल प्रहारी को पता चलता है कि शिवानी ने शिकायत की, तो वो उसे बुरी तरह से पीटता है और उसे एक अवैध अलगाव कक्ष में फेंक देती है, जिससे उसका गर्भपात हो जाता है। उसे सभी प्रियजनों के निधन के साथ शिवानी दुनिया के लिए स्वतंत्र थी। जब जिन्हें उसका एकमात्र मकसद उन सभी लोगों से बदलाव लेना था, उन्होंने उनके साथ गलत किया था। जब वो जेल में रात भर पूजा कार्यक्रम की योजना बनाकर जेल बोचुपके से भाग जाती है और जेल वार्डन की फांसी के फंदे पर चीख कर मार देती है, उसे लटका देती है, जैसे सबूत नहीं है और एक मजबूत बहाना थे, शिवानी को उसके लिए दोषी नहीं ठहराया था। 3 साल बाद शिवानी जेल से रिहा होता है। पहले उसने मोहनलाल की रुपये के नोटिस की मिलाकर उसके वहाँ से महत्वपूर्ण बात्रा में मास्क लगाकर मार डाला। इंस्पेक्टर अर्जुन को हत्या के लिए शिवानी पर शक थे। जब शिवानी अपनी बेटी की कब्र पर विलाप कर रही थी, इंस्पेक्टर अर्जुन उसे रोकने के लिए सीधे उसकी कब्र पर कदम रखा है। जब वो रिछा करता है तो खलिहाल ने उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास करता है, लेकिन शिवानी उस पर हावी हो जाते और खलिहान ने आग लगा दी, जिसमें वो मार जाता है। शिवानी विजय के घर जाती है, लेकिन वो उसे चलता है पता चलता है विजय अपनी उसकी माँ के 2 साल पहले वहाँ से चले गए। वो उस अस्पताल में विकलांगों की सेवा करने के लिए अपना जीवन समर्पित करने का फैसला करते हैं, जहाँ वो स्वेच्छा से काम करते हैं। वहाँ के डॉक्टर ने उन्हें सुझाव दिया कि वो विकलांगों के अपने नए अस्पताल में रहे। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो बाकी देहपाता के सेनेटोरियम विजय की माँ ने बताया था कि शिवानी ने विजय की लखाग्रस्त अवस्था में गर्भगृह के पाया कार दुर्घटना के कारण चलने की क्षमता खो दे रही है, जिसमें शिवानी को बहन और बेटी के मौत की हो गई। वो उसके पुनर्वास के लिए स्वेच्छा के काम करते। शिवानी के प्यार में अध्ययन से विजय ठीक हो जाता है। विजय शिवानी के साथ बार फिर से उसके प्यार में पड़ जाते हैं। शादी के करने लिए कहते क्योंकि उसके पास जीवन में कई अन्य विकल्प नहीं है। चाकू मारने से पहले शिवानी ने उसे आगे लगा दिया। वो कबूल करते हैं कि उसे एक उद्देश्य के लिए स्वास्थ्य के लिए नर्स किया, उसे मारने के लिए, क्योंकि वो एक अक्षय व्यक्ति और मर माना पाप हो जाता है, खुद को बचाव नहीं कर सकता। अपने हतपाई में वे शिवानी के पैर पर विजय के साथ एक चट्टान में लपटने हुए समाप्त हो जाते हैं। विजय का कहना है कि अगर उसकी मौत हो जाती है तो वो शिवानी को अपने साथ जो ले जाएगा। ये तय करते हैं कि विजय के लिए उसके सीने से जरूरी मरना है। शिवानी जाने देता है, जिससे दोनों की मौत हो जाती है। लालना शिवानी चोपड़ा के रूप में माधुरी दीक्षित, विजय अग्निहोत्री के रूप में शाहरुख खान, सुधा चंद्रन पंडित सिंह शिवानी के बहन और मोहनलाल की पत्नी के रूप में तीनू आनंद, मोहनलाल शिवानी के बहनोई के पदिया के रूप में चंदा फिरी के रूप में जॉन लीवर, फिल्मों की पद्मा अग्निहोत्री के विजय की माँ के रूप में बीना बनर्जी, बीना पूरी शिवानी के दोस्त और जेल में आत्मविश्वासी किरण कुमार, इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह के रूप में दीपक तिजोरी, अशोक चोपड़ा शिवानी के रूप में नीतीश, भूमिका कल्पना जेल वार्डन के रूप में नीतीश, हिंदू मंत्री बुन्नी पिंकी चोपड़ा, अशोक के शिवानी की पत्नी के रूप में विजय अग्निहोत्री एक अमीर बिगड़ेल आदमी है जो मुंबई शहर में अपनी माँ के साथ रहता। अपनी माँ के असी उसे कुछ सब कुछ और उससे अधिक की अनुमति देती है जो वो चाहता है। वो एक दिन दुर्घटना विजय शिवानी चोपड़ा नाम के एक है जो उसके प्यार पहुँचते कमजोर होता है। वो तुरंत शिवानी के प्यार में पड़ जाता है।
वो अपनी माँ के अपने प्यार के बारे में बताता है और उसकी माँ उसकी शादी करने के लिए सहमत हो जाती है। वहाँ शिवानी के घर जाने के रास्ते में उन्हें एक बुरा झटका लगता है क्योंकि शिवानी ने एक एयरलाइंस पायलट अशोक चोपड़ा से शादी करनी थी। विजय इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में असमर्थ हो जाते हैं। शिवानी को उसके शादी करने के लिए मनाता रहता है। जब शिवानी को परिवार को भी नष्ट कर देता है तो उसे जेल भेज दिया जाता है। जब शिवानी जेल से छूटती है तो वो विजय से बदला लेने और उसके प्यार सारे पापों का सिवा हिसाब लेने के लिए योजना बनाते हैं। अंजाम डर के 5 महीने बाद रिलीज हुई। अंजाम के साथ शाहरुख खान ने डर में एक एंटी हीरो की भूमिका निभाई। यहाँ वो रूही चावला द्वारा निभाए किरण के किरदार से जुनूनी रूप से प्यार करते हैं। वो जासी हरीश रास्ता धोखा रहता है, हत्या करता है और अपहरण कर लेता है और किरण के जीवन पर लगभग नियंत्रण कर लेता है। इसमें पहले कि उसके मंगेतर सनी देओल ने उसे मौत के घाट उतार दिया। खान द्वारा लिखे फिल्म में निभाए गए चरित्रों के साथ असहाय प्रेम और जुनून की भावना जुड़ी हुई थी और अधिकांश ईशक उसमें जुड़े थे और उन्होंने सनी देओल की तुलना में उनके लिए अधिक उत्साह बढ़ाया। भले ही वो सब कुछ बुरा करता है, वो किसी भी तरह से फिल्म का खलनायक नहीं था। वो एक नायक विरोधी अधिक था और वो कर रहा था जो वो अपने सपनों को लड़की के अपना बनाने के लिए कर रहा था। पिता पुत्री विशेष परिस्थिति में ये फिल्म बार बार था जब दीक्षित और खान को एक साथ जोड़ा गया था। समीर द्वारा लिखे गए गीत के साथ फिल्म का संगीत आनंद द्वारा रचित था। ये फिल्म एक ऐसी महिला के बारे में है जो अपने जुनूनी प्रेमी का खामियाज भुगत रही है। ये महिलाओं पर होने वाली अत्याचार पर भी केंद्रित है। यश चोपड़ा डर के अपने प्रदर्शन के लिए पिछले वर्ष पुरस्कार जीतने के विफल रहते हैं के बाद 40वें फिल्मफेयर पुरस्कार में अंजाम में अपने प्रदर्शन के लिए खान को सर्वश्रेष्ठ सहनायक को पुरस्कार जीता। इसके अलावा फिल्म के दीक्षित को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए अपना 7वां नामांकन भी गया, लेकिन इसके वजह उन्होंने हम आपके है कौन के लिए पुरस्कार जीता। खान के अपने पैना रेड चिली एंटरटेनमेंट के तहत इस फिल्म के अधिकार खरीदते हैं। शिवानी दोचपा एयर इंडियन के एयर होस्टेस हैं। ये अपने बहुत लक्ष्मी और अपने जीजा मोहनलाल के साथ रहे हैं जो एक शराबी है और घोड़े को दौड़ पर मिलने वाले सभी पैसे दांव पर लग रहे हैं। शिवानी को मुलाकात एक धनी उद्योग विजय मल्होत्रा से होती है जो तुरंत उसके साथ मुग्ध हो जाते हैं और लेकिन वो उससे कई दिलचस्पी नहीं दिखाते। विजय अपने पारंपरिक उद्योगों के मालिक है। वो अपने मुख्य के शिवानी मंडल लाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उसे मानते हैं कि वह नहीं है। वो उसका प्रेमी बनने के लिए उसका पीछा करता है, जारी रखता है लेकिन वो बार जो जाहिर खा जाता है। विजय अपनी माँ पद्मा को बताता है कि वो केवल शिवानी से ही शादी करेगा। जब वे शादी के लिए शिवानी के परिवार से संपर्क करते हैं तो वो देखते हैं कि शिवानी पहले से ही एक इंडिया एंड आइडल अशोक चोपड़ा से शादी कर रही है। विजय टूटा हुआ हैरान हो जाता है जबकि शिवानी और अशोक अपने शादी के तुरंत बाद पोस्ट हो जाते हैं और अमेरिका चले जाते हैं। 4 साल बाद विजय शिवानी को नहीं भूल पाया और उसके माँ द्वारा लगाए गए सभी शादी के प्रस्तावों को ठुकरा दिया। शिवानी और अशोक की एक बेटी सिविंकी शिवानी के जी इकाई परिवर्तक के रूप में अपनी नौकरी दौरा की है और मानसिक रूप से शारीरिक रूप से विकलांगी के लिए एक अस्पताल में स्वेच्छा से काम करना शुरू कर देता है। विजय शिवानी के अजीब आते हैं। उम्मीद में अशोक से दोस्ती करता है। वो अपनी खुद को एयरलाइंस शुरू करने की योजना बना रहे हैं जहाँ वो अशोक को उच्च वेतन वाले महाप्रबंधक के रूप में अशोक शिवानी पर विश्वास नहीं करते हैं और उसे विजय को असली चेहरे के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। विजय शिवानी और अशोक के एक नई कंपनी का घर लेता है जिसमें जॉन के बाद शिवानी को पता चलता है कि वो गर्भवती है। वो अपने पति के साथ खबर साझा करती हैं लेकिन विजय ये कहते हुए बीच में आता है कि उसने शिवानी के स्वामित्व के लिए एयरलाइंस के विज्ञापन के लिए इस्तेमाल किए हैं। जब शिवानी उनकी दोस्ती हो जाती है तो फिर दूसरे ही के किसी अपनी नौकरी ने घर को छोड़ दिया है और वो इसके बजाय परिवार का समर्थन करने के लिए काम करेंगे। अपमानित और क्रोधित अशोक ने शिवानी को थप्पड़ मारा और उसे स्वीकार कर दिया और जो अपने बड़े छतावे के लिए घर छोड़ देते हैं। विजय ने दिया कि वो प्रकरण के है और अशोक को बुरी तरह से पीटता है। जब वो अस्पताल में भर्ती होती है विजय शिवानी को मौजूदगी में अपनी असंजित मार्क्स हटा देता है। इसकी मदद हो जाती है। वो पुलिस को समझने की कोशिश करता है जो अशोक की मौत के लिए विजय जिम्मेदार था। हालांकि विजय अपने दोस्त
बावजूद उसके वो उसे छोड़ दे। इस दौरान वो शिवानी के मिलने जाते हैं और उसे कहता है कि वो उसे प्यार करते हैं। जैसे ही वो मना करते हैं वो उसकी विफल करता है, उसे उसकी हत्या के प्रयास के लिए याद करता है। उसे 3 साल जेल में गई क्योंकि वो अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सकी। पिंकी की पश्चिम और मोहनलाल के देखभाल में रखा गया है। मोहनलाल अपनी पत्नी के साथ व्यवहार करता है, पिंकी को बोझ करता है। शिवानी अपने सेलमेट निशा से मिलती है जिस पर दहेज के एक मामले में गलत तरीके से हत्या का आरोप लगाया गया था। वे एक पूर्व जेल वार्डन के निगरानी में जेल में अपना दर्द साझा करते हैं जो जेल के कैदियों को रात में राजनीतिक नेताओं के लिए बेसब्री के लिए मजबूर करता था। जेल में भागने की कोशिश में वो अपनी जेल प्रहरी को क्रूरता की शिकायत करती है लेकिन उसकी दलील को मनोरंजन नजरअंदाज कर दिया जाता है। उसके बजाय इंस्पेक्टर अर्जुन ने वार्डन को बताया कि शिवानी ने ही उसकी अवैध गतिविधियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। मोहनलाल पश्चिम को पिंकी को छोड़ने के लिए मजबूर करता है लेकिन वो मना कर देती है। आवाज जवाब में उसने पश्चिम और पिंकी दोनों को बाहर कर दिया। जवाब गलती से शिवानी को बाहर और बेटी पर अपनी कार चलाकर उन्हें मार डालता है। शिवानी को उनकी मौत के बारे में पता चलता है। उन्हें पता चलता है कि विजय ने ही उन्हें मारा है। जब वो उनके परिवार का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जाने का फैसला करता है, उस दिन रात के लिए एक कैसे को लेने के लिए राजनेताओं की यात्रा के दौरान शिवानी उल्टी कर देती है। जब जेल प्रहरी को पता चलता है कि शिवानी ने शिकायत की तो वो उसे बुरी तरह से पीटता है और उसे एक अवैध अलगाव कक्ष में फेंक देती है जिससे उसका गर्भपात हो जाता है। उसे सभी प्रियजनों के निधन के साथ शिवानी दुनिया के लिए स्वतंत्र थी। जब जिन्हें उसका एकमात्र मकसद उन सभी लोगों से बदलाव लेना था उन्होंने उनके साथ गलत किया था। जब वो जेल में रात भर पूजा कार्यक्रम की योजना बनाकर जेल वो चुपके से भाग जाती है और जेल वार्डन की फांसी के फंदे पर छींक कर मार देती है और उसे लटका देती है जिसे सबूत नहीं है और एक मजबूत बहाना थे। शिवानी को उसके लिए दोषी नहीं ठहराया था। 3 साल बाद शिवानी जेल से रिहा होता है। पहले उसने मोहनलाल की रुपये के नोटिस की निगाह पर उसके वहाँ से महत्वपूर्ण मात्रा में मांस बजाकर मार डाला। इंस्पेक्टर अर्जुन को हत्या के लिए शिवानी पर शक थे। जब शिवानी अपनी बेटी की कब्र पर विलाप कर रही थी इंस्पेक्टर अर्जुन उसे रोकने के लिए सीधे उसकी कब्र पर कदम रखा है। जब वो रिछा करता है तो खलिहाल में उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास करता है लेकिन शिवानी उस पर हावी हो जाते और खलिहान में आग लगा दी जिसमें वो मार जाता है। शिवानी विजय के घर जाती है लेकिन वो उसे चलता है पता चलता है विजय अपनी उसकी माँ के 2 साल पहले वहाँ से चले गए। वो उस अस्पताल में विकलांगों के सेवा करने के लिए अपना जीवन समर्पित करने का फैसला करते हैं जहाँ वो स्वेच्छा से काम करते हैं। वहाँ के डॉक्टर ने सुझाव दिया कि वो विकलांगों के अपने नए अस्पताल में रहे। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो बाकी देहपाता के सेनेटोरियम विजय की माँ ने बताया था कि शिवानी ने विजय की दुखाग्रस्त अवस्था में गर्भगृह के पाया कार दुर्घटना के कारण चलने की क्षमता खो दे रही है जिसमें शिवानी को बहन और बेटी के मौत की हो गई है। वो उसके पुनर्वास के लिए स्वेच्छा के काम करते शिवानी के प्यार में ध्यान से विजय ठीक हो जाता है। विजय शिवानी के साथ बार फिर से उसके प्यार में पड़ जाते हैं। शादी के करने के लिए कहते हैं क्योंकि उसके पास जीवन में कोई अन्य विकल्प नहीं है। चाकू मारने से पहले शिवानी ने उसे आगे लगा दिया। वो कबूल करती है कि उसे एक उद्देश्य के लिए स्वास्थ्य के लिए नष्ट किया उसे मारने के लिए क्योंकि वो एक अक्षय व्यक्ति और मरे माना पाप हो जाता है खुद को बचाव नहीं कर सकता। अपने तपाई में वे शिवानी के पैर पर विजय के साथ एक चट्टान लपटने के लिए समाप्त हो जाते हैं। विजय का कहना है कि अगर उसकी मौत हो जाती है तो वो शिवानी को अपने साथ जो ले जाएगा ये तय करते हुए कि विजय के लिए उसके सीने से ज़्यादा जरूरी मरना है। शिवानी जाने देता है जिससे दोनों की मौत हो जाती है। लालना शिवानी चोपड़ा के रूप में माधुरी दीक्षित, विजय अग्निहोत्री के रूप में शाहरुख खान, सुधा चंद्रन पंत सिंह शिवानी के बहन और मोहनलाल की पत्नी के रूप में तीनू आनंद, मोहनलाल शिवानी के बहनोई के पत्निया के रूप में चंदा फिमेली के रूप में जॉनी लीवर, प्रेमति पद्मा अग्निहोत्री के विजय की माँ के रूप में बीना बनर्जी, बीना पूरी शिवानी के दोस्त और जेल में आत्मविश्वासी किरण कुमार, इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह के रूप में दीपक तिजोरी, अशोक चोपड़ा शिवानी के रूप में नीतीश, भूमिका कल्पना जेल वार्डन के रूप में नीतीश, हिंदू पिंकी चोपड़ा, अशोक के शिवानी की पत्नी के रूप में
यह अग्निहोत्री एक अमीर इंग्रेल आदमी है जो मुंबई शहर में अपनी माँ के साथ रहता है। अपनी माँ के असी उसे कुछ सब कुछ और उससे अधिक की अनुमति देती है जो वो चाहता है। वो एक दिन दुर्घटना विजय शिवानी चोपड़ा नाम के एक के प्यार पहुँचते ही कमजोर होता है। वो तुरंत शिवानी के प्यार में पड़ जाता है। वो अपनी माँ के अपने प्यार के बारे में बताता है और उसकी माँ उसकी शादी करने के लिए सहमत हो जाती है। वहाँ शिवानी के घर जाने के रास्ते में उन्हें एक बुरा झटका लगता है क्योंकि शिवानी ने एक एयरलाइंस पायलट अशोक चोपड़ा से शादी करनी थी। विजय इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में असमर्थ हो जाती है। शिवानी को उसके शादी करने के लिए मनाता रहता है। जब शिवानी को परिवार को भी नष्ट कर देता है तो उसे जेल भेज दिया जाता है। जब शिवानी जेल से छूटती है तो वो विजय से बदला लेने और उसके प्यार सारे पापों का सिवा हिसाब लेने के लिए योजना हम बनाते हैं। अंजाम डर के 5 महीने बाद रिलीज हुई। अंजाम के साथ शाहरुख खान ने डर में एक एंटी हीरो की भूमिका निभाई जहां वो जूही चावला द्वारा निभाई गई। किरण के किरदार से जुनूनी रूप से प्यार करते हैं। वो जासी राजेश रचता है, धोखा देता है, हत्या करता है और अपहरण कर लेता है और किरण के जीवन पर लगभग नियंत्रण कर लेता है। इसमें पहले कि उसके मंगेतर सनी देओल ने उसे मौत के घाट उतार दिया। खान द्वारा लिखे फिल्म में निभाए गए चरित्र के साथ असहाय प्रेम और जुनून की भावना जुड़ी हुई थी और अधिकांश इशक उसने जुड़े थे और उन्होंने सनी देओल की तुलना में उनके लिए अधिक उत्साह बढ़ाया। भले ही वो सब कुछ बुरा करता है, वो किसी भी तरह से फिल्म का खलनायक नहीं था। वो एक नायक विरोधी अधिक था और वो कर रहा था जो वो अपने सपनों को लड़की के अपना बनाने के लिए कर रहा था। दीपिका प्रतिद्वंद्वी से उपस्थिति में यह फिल्म बार बार था जब दीक्षित और खान को एक साथ जोड़ा गया था। समीर द्वारा लिखे गए गीत के साथ फिल्म का संगीत आनंद मिलन द्वारा रचित था। यह फिल्म एक ऐसी महिला के बारे में है जो अपने जुनूनी प्रेमी का खामियाज भुगत रही है। यह महिलाओं पर होने वाली अत्याचार पर भी केंद्रित है। यश चोपड़ा डर के अपने प्रदर्शन के लिए पिछले वर्ष पुरस्कार जीतने के लिए विफल रहे थे। 40वें फिल्मफेयर पुरस्कार में अंजाम में अपने प्रदर्शन के लिए खान को सर्वश्रेष्ठ सहनायक का पुरस्कार जीता। इसके अलावा फिल्म के दीक्षित को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए अपना 7वां नामांकन भी लिया, लेकिन इसके बजाय उन्होंने हम आपके है कौन के लिए पुरस्कार जीता। खान के अपने पैना रेड चिली एंटरटेनमेंट के तहत इस फिल्म के अधिकार खरीदते हैं। शिवानी दोचवा एयर इंडियन के एयर होस्टेस हैं। वे अपने बहुत पश्चिमी और अपने जीजा मोहनलाल के साथ रहने हैं जो एक शराबी है और घोड़े को दौड़ पर मिलने वाले सभी पैसे दांव पर लग रहे हैं। शिवानी को मुलाकात एक धनी उद्योग विजय अग्निहोत्री से होती है जो तुरंत उसके साथ मुग्ध हो जाते हैं और लेकिन वो उससे कहीं दिलचस्पी नहीं दिखाते। विजय अपने पारंपरिक उद्योगों के मालिक है। वो अपने उच्चे के शिवानी मंडल लाने को कोशिश करते हैं लेकिन वो इसे मानते हैं कि वह नहीं है। वो उसका प्रेमी बनने के लिए उसका पीछा करता है, जारी रखता है लेकिन वो बार जो कि जाकिर खा जाता है। विजय अपनी माँ पद्मा को बताता है कि वो केवल शिवानी से ही शादी करेगा। जब वे शादी के लिए शिवानी के परिवार से संपर्क करते हैं तो वो देखते हैं कि शिवानी पहले से ही एक इंडिया एंड आइडल अशोक चोपड़ा से शादी कर रही है। विजय टूटा हुआ हैरान हो जाता है और जबकि शिवानी और अशोक अपने शादी के तुरंत बाद पोस्ट हो जाते हैं और अमेरिका चले जाते हैं। 4 साल बाद विजय शिवानी को नहीं भूल पाया और उसके अपने माँ द्वारा लगाए गए सभी शादी के प्रस्तावों को ठुकरा दिया। शिवानी और अशोक की एक बेटी सिविंकी शिवानी के जी इकाई परिवारिक के रूप में अपनी नौकरी दौड़ा की है और मानसिक रूप से शारीरिक रूप से विकलांगी के लिए एक अस्पताल में स्वेच्छा से काम करना शुरू कर देता है। विजय शिवानी के अरीब आते हैं, उम्मीद में अशोक से दोस्ती करता है। वो अपनी खुद के एयरलाइंस शुरू करने की योजना बना रहे हैं जहाँ वो अशोक को उच्च वेतन वाले महाप्रबंधक के रूप में अशोक शिवानी पर विश्वास नहीं करते हैं और उसे विजय को असली चेहरे के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। विजय शिवानी और अशोक के एक नई कंपनी का घर देता है जिसमें जॉन के बाद शिवानी को पता चलता है कि वो गर्भवती है। वो अपने पति के साथ खबर साझा करती हैं लेकिन विजय ये कहते हुए बीच में आता है कि उसने शिवानी के स्वामित्व के नए एयरलाइंस के विज्ञापन के लिए इस्तेमाल किए हैं। जब शिवानी उनकी दोस्ती हो जाती है तो फिर दूसरे ही कहकर शीश अपनी नौकरी ने घर को छोड़ दिया है और वो इसके बजाय परिवार का समर्थन करने के लिए काम करेंगे। अपमानित और क्रोधित अशोक ने शिवानी को थप्पड़ मारा और उसे स्वीकार कर दिया और जो अपने बड़े छतावे के लिए घर छोड़ देते हैं। विजय ने
दिया कि वो कुपकर्ण के है और अशोक को बुरी तरह से पीटता है। जब वो अस्पताल में भर्ती होती है, विजय शिवानी को मौजूदगी में अपनी असंजित मार्क्स हटा देता है, इसकी मदद हो जाती है। वो पुलिस को समझने की कोशिश करता है जो अशोक की मौत के लिए विजय जिम्मेदार था। हालांकि विजय अपने दोस्त बावजूद उसके वो उसे छोड़ दे। इस दौरान वो शिवानी के मिलने जाता है और उसे कहा जाता है कि वो उसे प्यार करती है। जैसे ही वो मना करती है, वो उसकी विफल करता है, उसे उसकी हत्या के प्रयास के लिए फरियाद करता है। उसे 3 साल जेल हो जाई गई क्योंकि वो अपने बेगुनाही साबित नहीं कर सकी। पिंकी की पश्चिम और मोहनलाल की देखभाल में रखा गया है। मोहनलाल अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करता है, पिंकी को बोझ करता है। शिवानी अपने सेलमेट निशा से मिलती है, जिस पर दहेज के एक मामले में गलत तरीके से हत्या का आरोप लगाया गया था। वे एक क्रूर जेल वार्डन के निगरानी में जेल में अपना दर्द साझा करते हैं, जो जेल के कैदियों को रात में राजनीतिक नेताओं के लिए बेसब्री के लिए मजबूर करता था। जेल में भागने की कोशिश में वो अपने जेल प्रहरी को क्रूरता की शिकायत करती है, लेकिन उसकी दलील को मनोरंजन नजरअंदाज कर दिया जाता है। उसके बजाय इंस्पेक्टर अर्जुन ने वार्डन को बताया कि शिवानी ने ही उसकी अवैध गतिविधियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। मोहनलाल पश्चिम को पिंकी को छोड़ने के लिए मजबूर करता है, लेकिन वो मना कर देती है। आवाज जवाब में उसने पश्चिमी और पिंकी दोनों को बाहर कर दिया। जवाब गलती से शिवानी को बाहर और बेटी पर अपनी कार चलाकर उन्हें मार डालता है। शिवानी को उनकी मौत के बारे में पता चलता है। उन्हें पता चलता है कि विजय ने वही उन्हें मारा है। जब वो उनके परिवार का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जाने की फैसला करता है, उस दिन रात के लिए एक कैसे को लेने के लिए राजनेताओं की यात्रा के दौरान शिवानी उल्टी कर देती है। जब जेल प्रहरी को पता चलता है कि शिवानी ने शिकायत की, तो वो उसे बुरी तरह से पीटता है और उसे एक अवैध अलगाव कक्ष में फेंक देती है, जिससे उसका गर्भपात हो जाता है। उसे सभी प्रियजनों के निधन के साथ शिवानी दुनिया के लिए स्वतंत्र थी। जब जिन्हें उसका एकमात्र मकसद उन सभी लोगों से बदलाव लेना था, उन्होंने उनके साथ गलत किया था। जब वो जेल में रात भर पूजा कार्यक्रम की योजना बनाकर जेल वो चुपके से भाग जाती है और जेल वार्डन की फांसी के फंदे पर चीख कर मार देती है और उसे लटका देती है। जैसा ही कई सबूत नहीं है और एक मजबूत बहाना थे, शिवानी को उसके लिए दोषी नहीं ठहराया था है। 3 साल बाद शिवानी जेल से रिहा होता है। पहले उसने मोहनलाल की रुपये के नोटिस के लगाकर सबके वहाँ से महत्वपूर्ण बात्रा में मांस बजाकर मार डाला। इंस्पेक्टर अर्जुन को हत्या के लिए शिवानी पर शक थे। जब शिवानी अपनी बेटी की कब्र पर विलाप कर रही थी, इंस्पेक्टर अर्जुन उसे रोकने के लिए सीधे उसकी कब्र पर कदम रखा है। जब वो इच्छा करता है तो खलिहाल ने उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास करता है, लेकिन शिवानी उस पर हावी हो जाते और खलिहान में आग लगा दी, जिसमें वो मार जाता है। शिवानी विजय के घर जाती है, लेकिन वो उसे पता चलता है विजय अपनी उसकी माँ के 2 साल पहले वहाँ से चले गए। वो उस अस्पताल में विकलांगों के सेवा करने के लिए अपना जीवन समर्पित करने का फैसला करते हैं, जहाँ वो स्वेच्छा से काम करती है। वहाँ के डॉक्टर ने सुझाव दिया कि वो ठीक माँ के अपने नए अस्पताल में रहें। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो भांति देहपाता के सेनेटोरियम विजय की मां ने बताया था कि शिवानी ने विजय की लकवाग्रस्त अवस्था में गर्भगृह के पाया कार दुर्घटना के कारण चलने की क्षमता खो दे रही है, जिसमें शिवानी की बहन और बेटी के मौत की हो गई। वो उसके पुनर्वास के लिए स्वेच्छा के काम करते। शिवानी के प्यार में अध्ययन से विजय ठीक हो जाता है। विजय शिवानी के साथ बार फिर से उसके प्यार में पड़ जाते हैं। शादी के करने लिए कहते हैं क्योंकि उसके पास जीवन में कई अन्य विकल्प नहीं है। चाकू मारने से पहले शिवानी ने उसे आगे लगा दिया। वो कबूल करती है कि उसे एक उद्देश्य के लिए स्वास्थ्य के लिए नर्स किया, उसे मारने के लिए, क्योंकि वो एक अक्षय व्यक्ति और मर माना पाप हो जाता है, खुद को बचाव नहीं कर सकता। अपने हथपाई में वे शिवानी के पैर पर विजय के साथ एक चट्टान में लपटने हुए समाप्त हो जाती है। विजय का कहना है कि अगर उसकी मौत हो जाती है तो वो शिवानी को अपने साथ जो ले जाएगा, ये तय करते हुए कि विजय के लिए उसके सीने से ज़्यादा जरूरी मरना है। शिवानी जाने देता है, जिससे दोनों की मौत हो जाती है। लालना शिवानी चोपड़ा के रूप में माधुरी दीक्षित, विजय अग्निहोत्री के रूप में शाहरुख खान, सुधा चंद्रन पंडित सिंह शिवानी के बहन और मोहनलाल की पत्नी के रूप में तीनू आनंद, मोहनलाल शिवानी के बहनोई के पत्नियों के रूप में चंदा चमेली के रूप में जॉनी लीवर, प्रेमती पद्मा अग्निहोत्री के विजय की माँ के रूप में बीना बनर्जी, बीना
सिद्धेश पुरी शिवानी के दोस्त और जेल में आत्मविश्वासी किरण कुमार इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह के रूप में, दीपक तिजोरी अशोक चोपड़ा शिवानी के रूप में नीतीश भूमिका, कल्पना जेल वार्डन के रूप में नीतीश हिंदू मंत्री बनने, पिंकी चोपड़ा अशोक के शिवानी की पत्नी के रूप में, विजय अग्निहोत्री एक अमीर बिगड़ेल आदमी है जो मुंबई शहर में अपनी माँ के साथ रहता है, अपनी माँ के असी उसे कुछ सब कुछ और उससे अधिक की अनुमति देती है जो वो चाहता है। वो एक दिन एक दुर्घटना विजय शिवानी चोपड़ा नाम के एक रिलेशन के प्यार पहुंचते हैं, कमजोर होता है, वो तुरंत शिवानी के प्यार में पड़ जाता है। वो अपनी माँ के अपने प्यार के बारे में बताता है और उसकी माँ उसकी शादी करने के लिए सहमत हो जाती है। वहाँ शिवानी के घर जाने के रास्ते में उन्हें एक बुरा झटका लगता है क्योंकि शिवानी ने एक एयरलाइंस पायलट अशोक चोपड़ा से शादी करनी थी। विजय इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में असमर्थ हो जाती है, शिवानी को उसके शादी करने के लिए मनाता रहता है। जब शिवानी को परिवार को भी नष्ट कर देता है तो उसे जेल भेज दिया जाता है। जब शिवानी जेल से छूटती है तो वो विजय से बदला लेने और उसके प्यारे सारे पापों का सिवा हिसाब लेने के लिए योजना हम बनाते हैं। अंजाम डर के 5 महीने बाद रिलीज हुई। अंजाम के साथ शाहरुख खान ने डर में एक एंटी हीरो की भूमिका निभाई जहां वो जूही चावला द्वारा निभाई गई किरण के किरदार से जुनूनी रूप से प्यार करते हैं। वो जासी साजिश रचता है, धोखा देता है, हत्या करता है और अपहरण कर लेता है और किरण के जीवन पर लगभग नियंत्रण कर लेता है। इसमें पहले की उसके मंगेतर सनी देओल ने उसे मौत के घाट उतार दिया। खान द्वारा लिखे फिल्म में निभाए गए चरित्र के साथ असहाय प्रेम और जुनून की भावना जुड़ी हुई थी और अधिकांश इशक उसने जुड़े थे और उन्होंने सनी देओल की तुलना में उनके लिए अधिक उत्साह बढ़ाया। भले ही वो सब कुछ बुरा करता है, वो किसी भी तरह से फिल्म का खलनायक नहीं था। वो एक नायक विरोधी अधिक था और वो कर रहा था जो वो अपने सपनों को लड़की के अपना बनाने के लिए कर रहा था। विशेष उपस्थिति में यह फिल्म बार बार था जब दीक्षित और खान को एक साथ जोड़ा गया था। समीर द्वारा लिखे गए गीत के साथ फिल्म का संगीत आनंद मिलन द्वारा रचित था। यह फिल्म एक ऐसी महिला के बारे में है जो अपने जुनूनी प्रेमी का खामियाज मुरान भुगत रही है। यह महिलाओं पर होने वाली अत्याचार पर भी केंद्रित है। यश चोपड़ा डर के अपने प्रदर्शन के लिए पिछले वर्ष पुरस्कार जीतने के लिए विफल रहे थे। ये बात 40वें फिल्मफेयर पुरस्कार में अंजाम में अपने प्रदर्शन के लिए खान को सर्वश्रेष्ठ सहनायक का पुरस्कार जीता। इसके अलावा फिल्म के दीक्षित को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए अपना 7वां नामांकन भी गया, लेकिन इसके वजह उन्होंने हम आपके है कौन के लिए पुरस्कार जीता। खान के अपने पेना रेड चिली एंटरटेनमेंट के तहत इस फिल्म के अधिकार खरीदते हैं। शिवानी दोचवा एयर इंडियन के एयर होस्टेस हैं। वे अपने बहुत पश्चिमी और अपने जीजा मोहनलाल के साथ रहने हैं जो एक शराबी है और घोड़े को दौड़ पर मिलने वाले सभी पैसे दांव पर लग रहे हैं। शिवानी को मुलाकात एक धनी उद्योग विजय अग्निहोत्री से होती है जो तुरंत उसके साथ मुग्ध हो जाते हैं और लेकिन वो उससे कहीं दिलचस्पी नहीं दिखाते। विजय अपने पारंपरिक उद्योगों के मालिक है, वो अपने नीचे के शिवानी मंडल लाने को कोशिश करते हैं लेकिन वो इसे मानते हैं कि वह नहीं है। वो उसका प्रेमी बनने के लिए उसका पीछा करता है, जारी रखता है लेकिन वो बार जो कि जाहिर खा जाता है। विजय अपनी माँ पद्मा को बताता है कि वो केवल शिवानी से ही शादी करेगा। जब वे शादी के लिए शिवानी के परिवार से संपर्क करते हैं तो वो देखते हैं कि शिवानी पहले से ही एक इंडिया एंड आइडल अशोक चोपड़ा से शादी कर रहे हैं। विजय टूटा हुआ हैरान हो जाता है, जबकि शिवानी और अशोक अपने शादी के तुरंत बाद पोस्ट हो जाते हैं और अमेरिका चले जाते हैं। 4 साल बाद विजय शिवानी को नहीं भूल पाया और उसके माँ द्वारा लगाए गए सभी शादी के प्रस्तावों को ठुकरा दिया। शिवानी और अशोक की एक बेटी सिविंकी शिवानी के जी इकाई परिवर्तक के रूप में अपनी नौकरी दौड़ा की है और मानसिक रूप से शारीरिक रूप से विकलांगी के लिए एक अस्पताल में स्वेच्छा से काम करना शुरू कर देता है। विजय शिवानी के करीब आने हैं उम्मीद में अशोक से दोस्ती करता है। वो अपनी खुद को एयरलाइंस शुरू करने की योजना बना रहे हैं जहाँ वो अशोक को उच्च वेतन वाले महाप्रबंधक के रूप में अशोक शिवानी पर विश्वास नहीं करते हैं और उसे विजय को असली चेहरे के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। विजय शिवानी और अशोक के एक नई कंपनी का घर देता है जिसमें जॉन के बाद शिवानी को पता चलता है कि वो गर्भवती है। वो अपने पति के साथ खबर साझा करते हैं लेकिन विजय ये कहते हुए बीच में आता है कि उसने शिवानी के स्वामित्व की नई एयरलाइंस के विज्ञापन के लिए इस्तेमाल किए हैं। जब शिवानी
उनकी दोस्ती हो जाती है तो फिर दूसरी है कि कशिश अपनी नौकरी ने घर को छोड़ दिया है और वो इसके बजाय परिवार का समर्थन करने के लिए काम करेंगी। अपमानित और क्रोधित अशोक ने शिवानी को थप्पड़ मारा और उसे स्वीकार कर दिया और जो अपने बड़े छतावे के लिए घर छोड़ देते हैं। विजय ने दिया कि वो प्रकरण के है और अशोक को बुरी तरह से पीटता है। जब वो अस्पताल में भर्ती होती है विजय शिवानी को मौजूदगी में अपनी असंजित मास्क हटा देता है, इसकी मदद हो जाती है। वो पुलिस को समझने की कोशिश करता है जो अशोक की मौत के लिए विजय जिम्मेदार था। हालांकि विजय अपने दोस्त बावजूद उसके वो उसे छोड़ दे। इस दौरान वो शिवानी के मिलने जाता है और उसे कहा जाता है कि वो उसे प्यार करती। जैसे ही वो मना करते वो उसकी विफल करता है, उसे उसकी हत्या के प्रयास के लिए याद करता है। उसे 3 साल जेल नहीं गई क्योंकि वो अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सकी। पिंकी की पश्चिम और मोहनलाल के देखभाल में रखा गया है। मोहनलाल अपनी पत्नी के साथ व्यवहार करता है, पिंकी को बोझ करता है। शिवानी अपने सेलमेट निशा से मिलती है जिस पर दहेज के एक मामले में गलत तरीके से हत्या का आरोप लगाया गया था। वे एक उच्च जेल वार्डन के निगरानी में जेल में अपना दर्द साझा करते हैं जो जेल के कैदियों को रात में राजनीतिक नेताओं के लिए वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर करता था। जेल में भागने की कोशिश में वो अपने जेल प्रहरी को क्रूरता की शिकायत करती है लेकिन उसकी दलील को मनोरंजन नजरअंदाज कर दिया जाता है। उसके बजाय इंस्पेक्टर अर्जुन ने वार्डन को बताया कि शिवानी ने ही उसकी अवैध गतिविधियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। मोहनलाल पश्चिम को पिंकी को छोड़ने के लिए मजबूर करता है लेकिन वो मना कर देती है। आवाज जवाब में उसने पश्चिमी और पिंकी दोनों को बाहर कर दिया। जवाब गलती से शिवानी को बाहर और बेटी पर अपनी कार चलाकर उन्हें मार डालता है। शिवानी को उनकी मौत के बारे में पता चलता है। उन्हें पता चलता है कि विजय ने उन्हें मारा है। जब वो उनके परिवार का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जाने की फैसला करता है, उस दिन रात के लिए एक कैसे को लेने के लिए राजनेताओं की यात्रा के दौरान शिवानी उल्टी कर देती है। जब जेल प्रहरी को पता चलता है कि शिवानी ने शिकायत की तो वो उसे बुरी तरह से पीटता है और उसे एक अवैध अलगाव कक्ष में फेंक देती है जिससे उसका गर्भपात हो जाता है। उसे सभी प्रियजनों के निधन के साथ शिवानी दुनिया के लिए स्वतंत्र थी। जब जीने उसका एकमात्र मकसद उन सभी लोगों से बदलाव लेना था उन्होंने उनके साथ गलत किया था। जब वो जेल में रात भर पूजा कार्यक्रम की योजना बनाकर जेल वो चुपके से भाग जाती है और जेल वार्डन की फांसी के फंदे पर चीख कर मार देती है और उसे लटका देती है। जैसे सबूत नहीं है और एक मजबूत बहाना थे, शिवानी को उसके लिए दोषी नहीं ठहराया है। 3 साल बाद शिवानी जेल से रिहा होता है। पहले उसने मोहनलाल के रुपए के नोटिस के लगाकर उसके वहाँ से महत्वपूर्ण बात्रा में मास्क बजाकर मार डाला। इंस्पेक्टर अर्जुन को हत्या के लिए शिवानी पर शक थे। जब शिवानी अपनी बेटी की कब्र पर विलाप कर रही थी, इंस्पेक्टर अर्जुन उसे रोकने के लिए सीधे उसकी कब्र पर कदम रखा है। जब वो इच्छा करता है तो खलिहाल ने उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास करता है लेकिन शिवानी उस पर हावी हो जाते और खलिहान ने आग लगा दी जिसमें वो मार जाता है। शिवानी विजय के घर जाती है लेकिन वो उसे चलता है पता चलता है विजय अपनी उसकी माँ के 2 साल पहले वहाँ से चले गए। वो उस अस्पताल में विकलांगों के सेवा करने के लिए अपना जीवन समर्पित करने का फैसला करती है जहाँ वो स्वेच्छा से काम करती है। वहाँ के डॉक्टर ने सुझाव दिया कि वो टिकाऊ के अपने नए अस्पताल में रहें। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो बाती देहपाता के सेनेटोरियम विजय की मां ने बताया था कि शिवानी ने विजय की रुखाग्रस्त अवस्था में गर्भगृह के पाया कार दुर्घटना के कारण चलने की क्षमता खो दे रही है जिसमें शिवानी को बहन और बेटी के मौत की हो गई। वो उसके पुनर्वास के लिए स्वेच्छा के काम करते। शिवानी के प्यार में अध्ययन से विजय ठीक हो जाता है। विजय शिवानी के साथ बार फिर से उसके प्यार में पड़ जाते हैं। शादी के करने लिए कहते हैं क्योंकि उसके पास जीवन में कई अन्य विकल्प नहीं है। चाकू मारने से पहले शिवानी ने उसे आगे लगा दिया। वो कबूल करते हैं कि उसे एक उद्देश्य के लिए स्वास्थ्य के लिए नर्स किया उसे मारने के लिए क्योंकि वो एक अक्षर व्यक्ति और मरे माना पाप हो जाता है, खुद को बचाव नहीं कर सकता। अपने हतपाई में वे शिवानी के पैर पर विजय के साथ एक
चट्टान में लपटने हुए समाप्त हो जाती है। विजय का कहना है कि अगर उसकी मौत हो जाती है तो वो शिवानी को अपने साथ जो ले जाएगा। ये तय करते हुए कि विजय के लिए उसके सीने से ज्यादा जरूरी मरना है, शिवानी जाने देता है जिससे दोनों की मौत हो जाती है। लाला शिवानी चोपड़ा के रूप में माधुरी दीक्षित, विजय अग्निहोत्री के रूप में शाहरुख खान, सुधा चंद्रन पंत सिंह शिवानी के बहन और मोहनलाल की पत्नी के रूप में तीनू आनंद, मोहनलाल शिवानी के बहनोई के पत्नी के रूप में चंदा चुमेली के रूप में जॉनी लीवर, प्रेमवती पद्मा अग्निहोत्री के विजय की माँ के रूप में बीना बनर्जी, बीना पूरी शिवानी के दोस्त और जेल में आत्मविश्वासी किरण कुमार, इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह के रूप में दीपक तिजोरी, अशोक चोपड़ा शिवानी के रूप में नीतीश, भूमिका कल्पनानंदन जेल वार्डन के रूप में नीतीश, हिंदू मंत्री बनने पिंकी चोपड़ा, अशोक के शिवानी की पत्नी के रूप में विजय अग्निहोत्री एक अमीर बिगड़ेल आदमी है जो मुंबई शहर में अपनी माँ के साथ रहता है। अपनी माँ के अजी उसे कुछ सब कुछ और उससे अधिक की अनुमति देती है जो वो चाहता है। वो एक दिन दुर्घटना में विजय शिवानी चोपड़ा नाम के एक रेवेंस के प्यार पहुंचते हैं, कमजोर होता है, वो तुरंत शिवानी के प्यार में पड़ जाता है। वो अपनी माँ के अपने प्यार के बारे में बताता है और उसकी माँ उसकी शादी करने के लिए सहमत हो जाती है। वहाँ शिवानी के घर जाने के रास्ते में उन्हें एक बुरा झटका लगता है क्योंकि शिवानी ने एक एयरलाइंस पायलट अशोक चोपड़ा से शादी करने दी। विजय इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में असमर्थ हो जाती है, शिवानी को उसके शादी करने के लिए मनाता रहता है। जब शिवानी को परिवार को भी नष्ट कर देता है तो उसे जेल भेज दिया जाता है। जब शिवानी जेल से छूटती है तो वो विजय से बदला लेने और उसके प्यार सारे पापों का सिवा हिसाब लेने के लिए योजना हम बनाते हैं। अंजाम डर के 5 महीने बाद रिलीज हुई। अंजाम के साथ शाहरुख खान ने डर में एक एंटी हीरो की भूमिका निभाई जहां वो जूही चावला द्वारा निभाई गई। किरण के किरदार से जुनूनी रूप से प्यार करते हैं, वो जासी साजिश रचता है, धोखा देता है, हत्या करता है और अपहरण कर लेता है और किरण के जीवन पर लगभग नियंत्रण कर लेता है। इसमें पहले की उसके मंगेतर सनी देओल ने उसे मौत के घाट उतार दिया खान द्वारा लिखे फिल्म में निभाए गए चरित्र के साथ असहाय प्रेम और जुनून की भावना जुड़ी हुई थी और अधिकांश इशक उसने जुड़े थे और उन्होंने सनी देओल की तुलना में उनके लिए अधिक उत्साह बढ़ाया। भले ही वो सब कुछ बुरा करता है, वो किसी भी तरह से फिल्म का खलनायक नहीं था, वो एक नायक विरोधी अधिक था और वो कर रहा था जो वो अपने सपनों को लड़की के अपना बनाने के लिए कर रहा था।